हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको पूछा था कि इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो आप पूछे। उसमें काफ़ी सारी मतलब सिमिलर टाइप की क्वेरीज आई है कि मेन तो क्वेरी यही थी कि यार ये कैसे तैयारी करनी है इसकी, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ना, ये रिपोर्ट काफ़ी बड़ा है, 337 पेजेस का टोटल रिपोर्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड, क्योंकि यहाँ पर हमें पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। तो जो जिनका बैकग्राउंड प्योर इकोनॉमिक्स का है, जिन्होंने या डीप या के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो थोड़ा यहाँ पे डीप में जा सकते हैं। लेकिन बाकी हमारा जो जर्नलिस्ट का एग्ज़ाम है ना, यहाँ पर मैं इस वीडियो में जितना बताऊँगा किस तरीके से करना है, क्या करना है, देखो फाइनली ये जो है ना, ये एक्टिविटी तो आपको ही करनी पड़ेगी। और वो किस चीज़ पे डिपेंड है कि आपको यहाँ पे कितना टाइम देना है, ये सारा मैं यहाँ पे बताऊँगा। और यहाँ पर मैंने कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी दिए हैं, क्योंकि आपको पता है 30 मई को ये रिपोर्ट आया था, और उसके नेक्स्ट डे पे 31 मई को अलग अलग न्यूज़पेपर में इसके बारे में कवरेज आया है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। देखो कोई भी चीज़ है, जैसे अगर मैं आपको पूछूँगा कि मैं जब क्लास लेता हूँ तो मैं क्लास में पूछता हूँ, जैसे 150-200 लोग होते, कि कितने लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ा, बहुत सारे पेजेस, 300-400 पेजेस है, तो वहाँ पे 10-20% लोग मिलते हैं कि जिन्होंने पूरा पढ़ा है, पूरा पढ़ा मतलब एंड टू एंड पढ़ा है। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ये बोरिंग लगता है, वो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो PIB की समरी पढ़ लेंगे, कुछ लोग MCQ पढ़ लेंगे। जैसे अभी हमारे कोर्स में हमने इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों मिला के 400 क्वेश्चन दिए हैं, तो अगर वो 400 क्वेश्चन करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। तो ये डिपेंड है आपका टेस्ट कैसा है, ठीक है। अगर आपको मैं पूछूं आप न्यूज़पेपर पढ़ते क्या, तो आप में से कुछ लोग पढ़ते होंगे, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पढ़ने में मज़ा आता है, कुछ लोगों को उसका इंपॉर्टेंस पता है, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ये जेनेरिक कहीं पर ना जेनेरिक आंसर नहीं होता है कि ये करना है या ये नहीं करना है, ऐसा आंसर कभी नहीं होता है। वो डिपेंड है आपके इस पे कि यार आपका क्या फ्लेवर है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपके पास कितना टाइम है, आप इसको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, या आपको इसका कितना इंपॉर्टेंस समझ में आता है। तो अभी ये जो रिपोर्ट है ना, कुछ लोग होंगे, जैसे मान लीजिए 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे कि जो ये रिपोर्ट सारा पढ़ेंगे, पूरा मतलब 337 पेजेस पढ़ेंगे, क्योंकि उनका वो नेचर है, उनको ये पढ़ना अच्छा लगता है, उनके पास टाइम भी है, उसको इनका इंपॉर्टेंस भी पता है। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस। तो मैं अभी देखो यहाँ पर ये मेरा 11वां साल है, सिंस लास्ट 10 ईयर्स आई एम मेंटरिंग टू RBI GATE B एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स। तो अभी मेरे 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको तरीका बताऊँगा कि ये कैसे करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट। ये देखो ये बहुत बड़ा ईयर, वो 80-85 पेजेस का ये PDF बना है। तो ये मैंने कहा तो है एग्जाम ओरिएंटेड, लेकिन ये और थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो गया। अगर किसी को ये डिटेल में पढ़ना है तो इसको कम से कम 30 दिन लगेंगे, मतलब 2-2 आवर्स के 30 लेक्चर्स लगेंगे, 60 आवर्स। लेकिन फिर हम ये क्वेश्चन पूछेंगे यार इतना टाइम देना ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको फिलोसफी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वो पहले समझ में आना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है ना, लोग लगे रहते हैं बस, कुछ लोग बस लगे रहते कि यार ये करेंगे, लेकिन उसका उसके पीछे का लॉजिक समझिए, ठीक है। तो वो भी, और यहाँ पे ये भी है, ये वार्निंग है, वार्निंग ऐसे लोगों के लिए है कि जो प्रिलिम्स अगर नहीं निकाल सकते तो इसके आगे देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट अबाउट क्लियरिंग Phase 1 एग्जामिनेशन, देन डोंट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि उस देखो ये मैक्सिमम इसका जो यूज़ होने वाला है, मैक्सिमम यूज़ तो इंटरव्यू में है, क्योंकि ये RBI का एनुअल रिपोर्ट है, RBI एज अ इंस्टीट्यूशन का ये एनुअल रिपोर्ट है। लेकिन RBI अलग अलग एरिया में काम करता है, यानी कि RBI का एनुअल रिपोर्ट यानी कि ये हमारे जो पूरे इंडिया में जो जो इकोनॉमिक फ्रंट में हो रहा है उसका एनुअल रिपोर्ट है। कुछ चीज़ें इंटरनल रहेगी, कुछ चीज़ बाहर की रहेगी। तो मैं जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे बताऊँगा, लेकिन अगर आपको Phase 1 निकालने का 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं, तो आपको ये नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, जो बेयर मिनिमम चीज़ है, बेयर मिनिमम वो है, हमने अभी देखो हम अभी ये तो मैं YouTube पे कर रहा हूँ, तो अभी जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं ये YouTube का वीडियो तो सबको मिलेगा, यानी कोर्स के स्टूडेंट भी देखेंगे, बाहर वाले भी देखेंगे। उसके बाद इसका लाइव क्लास होगा, वो कोर्स के स्टूडेंट के लिए होगा। उसके बाद एक समरी हम बनाएंगे, 40-50 पेज की समरी, वो कोर्स के स्टूडेंट को मिलेगी। 50 MCQ है, 50 MCQ आई एम ट्राइंग टू गिव टू यू ऑल्सो, जो जिन्होंने कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, जो YouTube पे है, उनको मैं 50 MCQ देने का ट्राई करता हूँ। अभी काम चल रहा है, 2-3 दिन में हो जाएगा। उसका लिंक मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ,
वो मॉक टेस्ट के फॉर्म में होगा, मॉक टेस्ट के फॉर्म में। यानी कि अगर आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे मॉक टेस्ट होगा, वहाँ पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा। 50 क्वेश्चन से मैक्सिमम 70-80% कवरेज हो जाएगा। तो वो बेयर मिनिमम है, जिनको मतलब फेज टू की मतलब तैयारी जो नहीं करनी है या उनको फेज वन में ही तकलीफ है, वो 50 क्वेश्चन दे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है, ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एकेडमिकली किसी को पढ़ना है, जैसे मैं ये एकेडमिकली पढ़ता हूँ, तो मैंने धीरे धीरे अभी मेरा आधा रिपोर्ट हो गया है और मैं उसको कुछ टाइम दूंगा, क्योंकि इसमें मुझे मज़ा आता है, इसमें ये मुझे समझ में आती है, ये चीज़ें मुझे समझ में आती है, इसीलिए फिर मुझे इकोनॉमी समझ में आती है। उसके बेस पे फिर मैं मेरा जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स में है, स्टॉक्स में है, बॉन्ड्स में, रियल इस्टेट में, वो करने में आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। आगे इकोनॉमी में कौन से जॉब अच्छे होंगे, वो इनसाइट्स यहाँ से मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा होने वाला है, ये उससे ऊपर लेवल पे जाने वाले हम। ठीक है, तो ये सबके लिए नहीं है, ये हार्डली 10-15% लोग हैं उनके लिए है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आगे क्या क्या करना है, और इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी है वो सारा मैंने इस पीपीटी में इंक्लूड किया है। इसका भी मैं पीपीटी का पीडीएफ बनाऊंगा, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर से वार्निंग है, जो प्रीलिम्स के लिए नहीं निकाल सकते उनको ये नहीं देखना है, बस वो 50 MCQ कर लो, उतना होगा तो सफिशिएंट होगा। लेकिन जो ऐसे लेवल पे है कि प्रीलिम्स निकल सकती है, मेंस पहले एक दो बार दिया है, इंटरव्यू दिया है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको ये काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, और कुछ आंसर दूंगा मैं क्वेरीज की, कुछ क्वेरीज तो ऐसी पूछी है कि ये ऐसा क्यों किया है, RBI ने ये ऐसा क्यों किया, इतना पैसा क्यों दिया, ये पैसा कहाँ गया, वो पैसा कहाँ गया, इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर देना बहुत मुश्किल है। ये आप RTM या RBI को पूछ सकते हैं। ठीक है, ये होता क्या है ना, ये जैसे हमें क्वेश्चन पूछने के लिए पूछना है, जैसे ये एनुअल रिपोर्ट 337 पेज का क्यों है, 400 पेज का क्यों नहीं, इसका कोई आंसर नहीं होता है। ठीक है, RBI ने इतना पैसा ट्रांसफ़र किया लास्ट टाइम, इतना क्या ऐसे क्यों किया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, समटाइम्स इसके आंसर देना बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। लेकिन ये एग्जाम पर्पज़ के लिए नहीं है, ये बस आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ पूछना है तो पूछ रहे लोग। ठीक है, फ्री में हमें कुछ पूछने को मिल रहा है तो पूछ ली, चलो ये ऐसा क्यों है, चैप्टर 13 क्यों रखे, 14 क्यों नहीं रखे, ये पैसा इतना क्यों दिया, उतना क्यों नहीं दिया, लास्ट टाइम ये दिया, तो ये कभी कभी होता है। अभी देखो, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से, 10-20 हज़ार स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो बच्चों को ना क्वेरी होती है, मतलब वो ऐसा नहीं कि वो क्वेरी का आंसर लेके आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा, लेकिन बस हमें हमारी क्यूरियसिटी, हमारा ईगो सेटिस्फाई करना है, इसलिए हम पूछते हैं। ये जो इंसाइट है मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, यही डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अदरवाइज लोग लगे हैं, गलत चीज़ों पे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अभी तो प्रीलिम पे ही फोकस करना है, लेकिन ये मुझे वीडियो बनाना ही था, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। तो जो स्टूडेंट को जल्दी चाहिए उनके लिए फ़ायदेमंद है। कुछ लोग अभी अभी मैं कल परसों, हमारे यहाँ पे एक्सक्लूसिव बैच है, तो एक स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर रहा था, हमारा ही स्टूडेंट है, वो 2 बार IBPS में टॉप किया है, टॉप मतलब ऑल इंडिया रैंक 1-2, 2 बार SBI में डबल डिजिट रैंक है, आई थिंक 10-12 के आसपास RTS से पता चला है। तो ये ऐसे स्टूडेंट है, तो ये देखेंगे देखेंगे, क्योंकि फेज वन का उनका मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना कट ऑफ होगा उससे डबल मार्क मिलेगा उसको। ठीक है, तो ये हमें देखना है, इसलिए मुझे एक्चुअली ना टीचर को बहुत, टीचर का ये जो प्रोफेशन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी को 2+2 नहीं आता, और किसी को x^x^x का इंटीग्रेशन भी आता है, तो ये सबको एक लेवल पे पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, आपके हिसाब से उसको लेना है। ठीक है, आपके हिसाब से लेना है। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी बड़ा मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको जो बताऊँगा वो आपको बस सुन लेना है, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लेटर ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि कोई भी रिपोर्ट होता है वो देते हैं किसी को, तो भी देते हैं, तो ये रिपोर्ट जाता है फाइनेंस सेक्रेटरी को। कौन देता है, शक्तिकांत दास जी हैं, और ये सेक्शन है 52 सबसेक्शन 2 RBI एक्ट 1934। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद आपको इंटरव्यू में, ठीक है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, अब वो क्वेश्चन पूछते हैं हैव यू सीन RBI's एनुअल रिपोर्ट, ये एक सिंपल क्वेश्चन होता है, तो आपका आंसर होता है 99% केस यस होता है, क्योंकि जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो यस होता है, ये नो भी हो सकता है। ठीक है, नो हो गया तो ठीक है, चलिए आगे जाएंगे, यस है तो बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, टॉपिक्स के नाम बताइए, या पार्ट वन क्या है, पार्ट बेसिक, जस्ट टू नो वेदर यू हैव एक्चुअली रेड इट और नॉट।
अगर आप कहेंगे यस सर पार्ट वन आई नो, पार्ट वन इज द इकोनॉमी रिव्यू एंड द प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है, असेसमेंट है यहाँ पर, फिर इकोनॉमिक रिव्यू है, रियल इकोनॉमी, प्राइस सिचुएशन, मॉनिटरी एंड क्रेडिट, फाइनेंशियल मार्केट, गवर्नमेंट फाइनेंसेस, एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है FDI उसके बारे में। तो आपको अगर इतना भी पता है तो वो उनको समझ में आ जाएगा कि यार इसने पढ़ा है। पार्ट टू में क्या है, द वर्किंग एंड द ऑपरेशंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI क्या काम करता है उसके बारे में, क्या क्या मेन मेन काम है RBI का, मॉनिटरी पॉलिसी ऑपरेशंस, क्रेडिट डिलीवरी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, रेगुलेशन सुपरविजन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये जो है ना, ये डिपार्टमेंट, ये जो टॉपिक है, ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का फंक्शन शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। जैसे FSU क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, जिसको DOR कहते हैं, फिनटेक डिपार्टमेंट जो अभी रिसेंटली बना है, ये आगे हम देखेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बेसिक, ये जो वीडियो जिन्होंने देख लिया आपका 70-80% काम हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक्चुअल रिपोर्ट हार्ड कॉपी में लाना है तो हार्ड कॉपी में लीजिए, सॉफ्ट में लेना है तो सॉफ्ट कॉपी में लीजिए। हम बोलते हैं ना यार, मैं सिर्फ गो थ्रू करना, यानी कि जस्ट पेजेस पलटाना है, और कुछ दिखता है, कुछ बॉक्स दिखता है, कुछ एक टेबल दिखता है, कुछ डायग्राम दिखती है, तो उसको देखना है और थोड़ा इंटरेस्ट लेके करना है, ठीक है। ये जो चीज़ें नहीं, अंदर से आनी चाहिए। जैसे मैं जब कॉलेज में था इंजीनियरिंग में, तब से मैं ये पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे इंजीनियरिंग में था, लेकिन मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया फाइनेंस में, तो फिर इसलिए फिर मैं सेकंड थर्ड ईयर से RBI गवर्नर के स्पीचेस है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, RBI के एनुअल रिपोर्ट है, ये सिर्फ देखता था। देखो कोई भी है ना, किसी को भी आप RBI से उठा लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए, ये जो रिपोर्ट है 100% ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको सारा समझ में आएगा, कोई भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक का एरिया अलग अलग है। ये रिपोर्ट भी बहुत लोग मिलके बनाते हैं, ठीक है, इसलिए आपको जितना समझ में आता है, जितना आप समझ सकते हैं, उतना ईजिली समझना है, अदरवाइज ये करने में आपको एक महीना लगेगा, ठीक है। या डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट DICGC है, उसके बाद पब्लिक डेट मैनेजमेंट, ये मेजर अगर आपको चैप्टर्स पूछेंगे आपको ये पता होना चाहिए। करेंसी मैनेजमेंट में क्या है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, कम्युनिकेशन, इंटरनल रिलेशन, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, ये इंटरनल वाला डिपार्टमेंट, यहाँ पे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, ये RBI की अंदर की बात है। देखो ये ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है, कुछ जो बातें हैं वो बहुत इंटरनल है, जिसका मोर सिग्निफिकेंस अंदर के लोगों के लिए जो RBI में काम करते हैं, लेकिन RBI का काम मोस्टली इकोनॉमी रिलेटेड है, इसलिए उसका जो सिग्निफिकेंस है ये बाहर के लोगों के लिए भी है, जो एकेडमिशियन है हमारे जैसे, जो स्टूडेंट है, फैकल्टीज है, जो बढ़ते हैं इसको, ठीक है। इंटरनल ऑडिट के बारे में है, रिजर्व बैंक ऑफ अकाउंट ये वाला एक चैप्टर है, ठीक है, और बाकी काफ़ी अपेंडिक्स और एनेक्शस ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आपको इतना भी बता दिया तो उनको समझ में आ गया कि आपने पढ़ा, अदरवाइज इकोनॉमी आपने बजट रिपोर्ट पढ़ा है क्या, एनुअल रिपोर्ट, यस बताओ, तो आपको कुछ नहीं आंसर आएगा। तो इससे क्या दिखेगा, लोग कहते हैं ना कि यार RBI में बहुत कम मार्क मिलते हैं इंटरव्यू, वो ऐसा ब्लफ करने का ट्राई करते हैं। अगर आपने RBI एनुअल रिपोर्ट पढ़ा है तो आपको बेसिक तो पता होने चाहिए कि उसके कितने पार्ट्स है, चैप्टर्स के नाम बताओ, अप्रोक्सीमेटली कितने पेजेस का है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ऐसा नहीं वो 337 बताना, ऐसा नहीं है, कितने पेजेस है सर, 300 के आसपास कुछ, ये दिया तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप 100 बोलेंगे या 500 बोलेंगे तो समझ में आ गया यार इसको कुछ नहीं पता। जो रिपोर्ट ये देख रहा है उसको एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आइडिया होगी कि यार ये PDF जो है इसमें कितने पेजेस है। इससे क्या होता है, वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी इंटीग्रिटी जानने का ट्राई करते। देखो RBI जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, RBI नाबार्ड से भी नॉलेज से ज़्यादा आपका एटीट्यूड, आपकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो लोग 750 लोग इंटरव्यू तक पहुँचते हैं उनका इंटेलिजेंस अप्रोक्सीमेटली सिमिलर लेवल का है, 19-20, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए, ऑनेस्ट लोग चाहिए, जो बहुत ऑनेस्ट है, जो इंटीग्रिटी उनकी अच्छी है, 70 से ज़्यादा मार्क, जिनकी नहीं है, क्योंकि ब्रिलियंसी का तो सवाल ही नहीं ना, क्योंकि 1.5 लाख लोग में से 750 में आए हैं। इंटीग्रिटी पे डाउट तो सिंगल डिजिट मार्क, ये आप पकड़ लीजिए, अरोगेंस नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बीच बीच में ये सारी बातें बता रहा हूँ, ये तो करना ही करना है, ठीक है। चलिए अभी मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, मैक्सिमम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैंने बार बार नहीं लिए हैं, रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन मैंने लिए हैं, व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू स्किप,
ठीक है, ये बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है, तो उसका आंसर वही है। ये आपको ये देख लेना है, ये पूरा मेरा वीडियो और इसका पीपीटी है, उसका पीडीएफ बना के मैं दूंगा, वो भी देना है। उसमें से आपको जितना समझ में आता है वो पढ़ना है, अदरवाइज ये 337 पेज का रिपोर्ट है। 10% के आसपास लोग होंगे कि जो सारा पढ़ेंगे, क्योंकि उनको उतना इंटरेस्ट है उस चीज़ में, टाइम भी है और उसको उनका इतना इंपॉर्टेंस भी पता है, ठीक है। और मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंस पता है वो भी बताऊंगा। वॉट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम रिपोर्ट आस्क इन द फेज वन एज वेल एज फेज टू, ठीक है, मैं बताऊंगा इन बिटवीन जैसे जैसे है। जैसे मैं बता अभी जैसे मैंने बता दिया स्टार्टिंग में कि यार ये रिपोर्ट किसको सेंड करते हैं, ये फेज वन का क्वेश्चन हुआ। एज पर विच सेक्शन ऑफ द आरबी एक्ट है, ये क्वेश्चन हो गया, ये फेज वन में आता है, फेज टू में आता है। इस तरीके के क्वेश्चन जहां जहां आएंगे मैं वहां वहां बताऊंगा, ठीक है। वॉन्ट टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर बी गेट बी वॉट टू रीड देम, द वीडियो विल कम आउट फॉर दिस, यस ये तो बना रहा हूँ मैं। हाउ टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स, अभी ये मैं बता रहा हूँ वही आपको देखना है। देर इज सो मच मेमोराइज नहीं करना है, ठीक है, मेमोराइज ज़्यादा नहीं करना है। अदरवाइज इस रिपोर्ट में कम से कम 1 लाख नंबर्स होंगे, कितने, 1 लाख। आपको अगर आपने 50 भी आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं आपको देखो क्या होता है, एक बार आपको वो स्किल आनी चाहिए, स्किल। अदरवाइज ना, मतलब ये होता है ना, हम स्पून फीडिंग, नहीं यार ये एक 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 मुझे मिलेगा, तो वो डिफिकल्टी हो जाएगी। उतना इंटेलिजेंस हमें चाहिए ही चाहिए आरबीआई जैसे एग्जाम क्रैक करने को। एक बार आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको खुद को ही पता चलेगा कि क्या करना है, और जिनको नहीं पता चला वो छोड़ देना है उनको, क्योंकि हर चीज़ एवरीवन के लिए नहीं होती। अगर हम कहेंगे कि यार ये आईएएस का जॉब बहुत अच्छा होता है, तो पूरी दुनिया इसके पीछे क्यों नहीं है, क्योंकि हर एक को उतना फ्लेवर भी नहीं है, उतना इंटेलिजेंस भी नहीं है, उतनी हार्ड वर्किंग की कैपेसिटी भी नहीं है, और कुछ लोगों को नहीं भी बनना है। तो ऐसा नहीं कि यार ये सब लोग करेंगे, ठीक है, ये डिपेंड होता है आपका कैसा नेचर है, आपका इंटेलिजेंस, आपका हार्ड वर्किंग करने की कैपेसिटी, और आप इसको कैसे परसीव करते हैं। हाउ टू सेलेक्ट द गवर्नमेंट स्कीम फॉर द एग्जाम, देखो गवर्नमेंट स्कीम के लिए ना जो सिलेबस रिलेटेड है, जैसे सिलेबस में है पॉवर्टी एलिवेशन तो उसकी सारी स्कीम करनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसकी सारी स्कीम करनी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन उसकी सारी स्कीम करनी है। तो सिलेबस अगर आप देखेंगे उससे आपको पता चलेगा। हाउ द इम्पोर्ट आर बी एनुअल रिपोर्ट ऑफ वॉट, देखो ये तो वीडियो में बता रहा हूँ मैं। हाउ टू एनालाइज रिपोर्ट इफेक्टिवली, देखो ये ऐसे क्वेश्चन इफेक्टिवली इफिशेंटली कुछ लोग कहेंगे सर मुझे आर बी आई के एनुअल रिपोर्ट का एक पेज में समरी दीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक पेज में समरी दीजिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ सकते हैं हम, चलिए प्लीज़ मैं एक वीडियो ये तो बना रहा हूँ मैं। ग्रेड बी पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स वॉट आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्वेश्चन आस रिपोर्ट हाउ टू कवर रिपोर्ट प्लीज़ मेक वीडियो ऑन फेस टू डिस्क्रिप्टिव पैटर्न। ये पैटर्न तो आपको सबको पता है ना पैटर्न क्या होता है, ठीक है, 15-15 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 15-15 मार्क के 3 क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर 400-400 वर्ड में लिखना, इसमें से 2 सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद 10-10 मार्क के 3 क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको 400 वर्ड्स में आंसर लिखना है, ठीक है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल आपको 4 क्वेश्चन 2000 वर्ड्स के लिखने हैं, ठीक है, ये पैटर्न है। अगर आपको देखना है पिछले साल में कैसे आए हैं तो हमने वीडियो भी बनाए हुए हैं, 95-100% क्वेश्चन आए हैं हमारे कोर्स मटेरियल से विद प्रूफ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन दिखाया है और हमारा सोर्स दिया हुआ है, ठीक है, 95-100%, 100% यानी कि कुछ इसमें सबका आए हैं, कुछ इसमें 2-3 नहीं आए, इस तरीके से वीडियो बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। चलिए अभी क्या करना है, ये एक वे है, ठीक है, हम बोलते हैं ना किस तरीके से पढ़ना है, तो अभी एक मैं वे बता रहा हूँ आपको, वो है न्यूज़पेपर का, मैं उसको वे कहूँगा, ठीक है, उस तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, कोई भी एक न्यूज़पेपर लेना है, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर या आप उसको बिजनेस न्यूज़पेपर कहते हैं, ठीक है, उसमें आता है इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ठीक है, ये 5 न्यूज़पेपर है, बिजनेस न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इसमें से कोई भी एक पेपर लेना है, ठीक है। आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट आया है 30 मई को, आपको 31 मई का न्यूज़पेपर लेना है, और उसमें आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के बारे में जो कुछ भी आया वो सारा पढ़ना है, ठीक है। वो क्या है, समरी है, देखो 337 पेज है, तो न्यूज़पेपर वालों ने कुछ ना कुछ आर्टिकल बनाए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देख के बनाए। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ न्यूज़पेपर का मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ,
तो अगर आपको टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट ये न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स या कटिंग्स या आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि ये 337 पेजेस है लेकिन इसमें काम के या काम की चीज़ क्या है, किस चीज़ पे फोकस करना है। क्योंकि न्यूज़पेपर की जो टीम होगी वो काफ़ी सीनियर इकोनॉमिस्ट की टीम होती है, उन्होंने ये चीज़ एक्स्ट्रा करके आपके लिए लाई है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये आप पढ़ लीजिए, तो आपका काम नियर अबाउट 70-80% हो जाएगा। ग्रोथ मोमेंटम टू होल्ड अमिड ईजिंग इन्फ्लेशन RBI, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि आफ्टर एवरेजिंग 6.7 द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस इन्फ्लेशन रेट मे मॉडरेट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड। तो ये आपको ये न्यूज जो है वो यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। देखो RBI बैलेंस शीट ग्रोस 2.5% इन FY23। ये क्वेश्चन आ सकता है फेज वन में भी आ सकता है, फेज टू के ESI फाइनेंस में भी आ सकता है, ठीक है। बैंक फ्रॉड वैल्यूज के बारे में क्या हुआ है, 500 नोट्स के बारे में क्या है, नो E2000 नोट इन सर्कुलेशन, ठीक है, यानी कि ये जो रुपी है वो सर्कुलेशन में नहीं है, ये भी हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। काउंटरफिट नोट्स डाउन, फोर्ज 500 नोट्स सर्च, यानी कि ये जो है 500 रुपए की नोट है वो बढ़ गई, ठीक है। क्रूड इंपोर्ट के बारे में, क्रूड इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया जंप्ड 14x इन FY23, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये RBI एनुअल रिपोर्ट का रेफरेंस लेके ये न्यूज बनाई, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स है मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ, आप यहाँ से पढ़िए, या 31 मई का जो न्यूज़पेपर है, एक सिंगल पेपर, ये तो मैंने मल्टीपल न्यूज़पेपर से लाया हुआ है, कोई भी एक सिंगल न्यूज़पेपर आपके चॉइस का जो आपके पास अवेलेबल है वो लीजिए, और उसमें से सारा, लेकिन पूरा पढ़ लीजिए, एक पेपर में जितनी सारी न्यूज़ आई, मैक्सिमम 7-8 न्यूज़ आई होंगी, वो आपको पढ़ लेना है। देखो ये चीज़ जो है ना, ये एक्चुअली बोरिंग है मैक्सिमम लोगों के लिए, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को ये न्यूज़ देख के ऐसा नहीं यार बहुत मज़ा आ रहा है, 90% लोगों को तो ये तो बोरिंग ही लगती है। कुछ लोग हैं जैसे जिनको मैं, जैसे मेरी बताऊंगा, मैं वेट कर रहा था कब रिपोर्ट आए, क्योंकि मुझे ये पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यार इससे मैं क्या क्या, मतलब ये जो है ना, ये जिसको समझ में आएगा ना वो लाइफ में बहुत पैसा कमाएगा, क्योंकि उसको आइडिया है कि इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी, कौन से स्टॉक्स लेने हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, गोल्ड का क्या होगा, तो ये ना इसका इंपॉर्टेंस ना बहुत 2% लोगों को समझ में आता है रियली। हम जो कहते हैं यार ये कुछ लोग इतने अमीर कैसे हैं, कुछ लोग इतने गरीब कैसे, क्योंकि जो जिनको पता है ना यार क्या करने से मतलब फ़ायदा होगा वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अदरवाइज़ फिर बाकी आपको पता है लेबर वर्क करके फिर वो जितना ज़रूरी उतना ही पैसा मिलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंस बहुत लोगों को पता चलता है, और जिसको नहीं पता चलेगा ना आप उसको कितना भी बोलो वो नहीं करेगा। अभी ये वीडियो आप देख रहे तो सबको नहीं पता चल सकता कि यार, क्योंकि आरए का फ्लेवर अलग होता है ना, वो बात है यहाँ पर। चलिए RBI बैलेंस शीट ग्रोथ, देखो ये दूसरे न्यूज़पेपर से है, फॉरेक्स ऑपरेशन लिफ्ट इनकम 47%, यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू में कि RBI का जो प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, फॉरेक्स से ज़्यादा हुआ है, ठीक है। देखो बैलेंस शीट साइज, ठीक है, RBI बैलेंस शीट साइज इन रुपीज ट्रिलियन, ठीक है, आपको पता है 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन उस तरीके से उतने ट्रिलियन है। कंटिंजेंसी फंड बैलेंस, ठीक है, कंटिंजेंसी फंड बैलेंस कितना है ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे जो नंबर्स है वो ट्रिलियन डॉलर में। देखो कंटिंजेंसी फंड इसलिए होता, कुछ क्वेश्चन भी है कंटिंजेंसी फंड के लिए, मैं उसका भी आंसर दूंगा। वो क्या, कंटिंजेंसी का मतलब क्या है, जैसे इंडिविजुअल केस में आपका जॉब चल रहा है प्राइवेट सेक्टर में, फॉर एग्जाम्पल आपकी अच्छी सैलरी चल रही है, अचानक से किसी का जॉब गया तो उसको कहते कंटिंजेंसी आ गई, यानी कि ये पता नहीं था मुझे ऐसे होगा, तो कंटिंजेंसी फंड है। ये नियर अबाउट 10 मंथ सैलरी के आसपास होना चाहिए, अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए कंटिंजेंसी फंड होना चाहिए। उसी तरीके से RBI के केस में अगर कुछ बहुत डिजास्टर आता है, इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है या कुछ बड़ी घटना ऐसे घटती है, उसके लिए पैसा संभाल के रखा जाता है, इसलिए धीरे धीरे ये अमाउंट बढ़ा रही है, ये होना सेफ, मतलब इसको हम कहते हैं कि यार ये अच्छा इकोनॉमिक्स है कि हम पैसे कुछ अलग करके रखें, कुछ कंटिंजेंसी आ जाती है उसके लिए यूज़ होगा, ठीक है। ये आर्टिकल पढ़ लेना है, देखो 100 मैंने आपको क्या कहा, 100% अंडरस्टैंडिंग किसी को भी नहीं है, गवर्नर को भी पूछो उनको भी नहीं होगी, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है बहुत लोग मिला के बनाते हैं, हर एक की एक्सपर्टीज़ अलग अलग एरिया में है, तो आपको जितना समझ में आता है ईजिली, अदरवाइज़ अगर आप एक एक वर्ड समझना चाहेंगे ना तो उसको बहुत टाइम लगेगा, उसको 3-4 महीने लगेंगे, इसलिए मैंने जो टाइटल दिया ना स्टार्टिंग में, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच होना
बहुत ज़रूरी है, आपको कोई नहीं बताया। देखो लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत यूट्यूब वीडियो भी देखे, आते हैं प्लेनली पढ़ा के चले जाते, लोग इंटरेस्ट नहीं आते, तो बीच बीच में आपको बताना चाहिए कि यार क्या करना है, वही तो मेंटर की बात है। अदरवाइज बहुत सारे जो मैक्सिमम हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपने भी देखा होगा, प्रोफेसर्स ना मोनोटोनसली पढ़ाते हैं, 90% प्रोफेसर्स ऐसे हैं कि बच्चों को इंटरेस्ट चला जाता है उसमें से। तो इसलिए अगर आप देखेंगे प्राइवेट में अभी यूट्यूब आने के बाद एडटेक सेक्टर में फैकल्टीज ऐसे आके कि जो बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करे, अदरवाइज आके पढ़ा दिया मोनोटोनस, कोई मॉड्यूलेशन नहीं, तो वो कितना भी ब्रिलियंट है वो बच्चों को नहीं समझेगा। देखो क्लास में 10 बच्चे को तो समझ में आता है ये जो ब्रिलियंट है, जो समझना चाहते, लेकिन पर्पज़ ये होना चाहिए किसी भी टीचर का कि मैक्सिमम लोगों को कैसे साथ लेके चले। अदरवाइज वो 2-10 बच्चों के काम करके नहीं होगा, सबको मैक्सिमम 80-90% लोगों को उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। चलिए, इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स जंप्स 3-fold इन FY। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैल्यू ऑफ बैंक फ्रॉड मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर देखिए ये हम RBI के रिपोर्ट में भी देखने वाले हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखो कैसे हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो अगर कोई पूछेगा कि फ्रॉड्स कहाँ पर ज़्यादा हो रहे, कहाँ पर ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो जनरल परसेप्शन आ सकता है कि गवर्नमेंट बैंक में, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे नंबर जो है ये डबल है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। देखो एक तो बात हो गई एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में इसमें से क्या आएगा, ये सारा कर लेंगे ना आपका एक ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा उसमें से और आपके आंसर आ जाएंगे। फेज टू में MCQ भी है, फेज टू में डिस्क्रिप्टिव भी है, इंटरव्यू भी है, तो इसका आपका यूज़ कहीं ना कहीं आपका होने ही वाला है। तो न्यूज़पेपर का फ़ायदा ये है ना, न्यूज़पेपर का फ़ायदा ये है कि इन्फोग्राफिक में इंफॉर्मेशन दी जाती है, कलरफुल में दी जाती है, जिससे पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आ गया। मैंने आपको वही बताया ना कि क्या होगा कि जो आपने बुक्स भी देखे होंगे, पुराने जो बुक्स आते थे ब्लैक एंड वाइट और पूरा टेक्स्ट है, तो अभी जो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है न्यूज़पेपर में भी, इसका फ़ायदा ये है ना कि हम उसी चीज़ को इंटरेस्टिंग तरीके से रिप्रेजेंट करें, यानी कि लोगों को उसमें इंटरेस्ट लगे। अगर ये जो इन्फॉर्मेशन मैं अगर लाइन में लिखता तो उसका कोई पढ़ता नहीं, अभी क्या है देखने में अच्छा लग रहा है। No E 2000 रुपी नोट इन सर्कुलेशन। तो यहाँ पर यह देखना ज़रूरी है कि डिनोमिनेशन, ठीक है, डिजिटल रूपी में, ये 0.5 यानी कि 50 पैसे का कॉइन है, 50 पैसे ये डिजिटल फॉर्म में है, इसकी वैल्यू कितनी है एंड टोटल शेयर कितना है, ठीक है, टोटल ई रूपी रिटेल में कितने हैं, होलसेल में कितने हैं, टोटल अगर आप देखेंगे ना सिर्फ 16 करोड़ के आसपास के कॉइन्स है अभी ई रूपी फॉर्मेट में, क्योंकि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता है, प्रीलिम्स मेंस में या इंटरव्यू, कि एक अंदाजे से बताइए कितने हैं, ठीक है, जिसने पढ़ा होगा ना वो अगर 15 करोड़ 20 करोड़ बोला भी चलेगा। पर्पस क्या है पूछने का, कि आपको ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। कोई कहेगा 1 लाख, कोई कहेगा 100 करोड़, 500 करोड़, तो पता चल जाएगा कि यार इसको पता। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि यार नंबर की याद रखना, यहाँ पे नंबर याद रखना ज़रूरी नहीं है, ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये जो नंबर है ये 15 से 20 करोड़ भी याद रखा तो भी चलेगा, ग्रॉस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि 1 लाख रुपये के है या 100 करोड़ रुपये के, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो इसलिए नंबर के पीछे इतना मत जाइए, और एग्ज़ाम में ना ऐसे जो सेट कर रहा है वो ऐसे नहीं सेट करेगा कि टोटल ई रुपये कितने हैं, 16.39, 16.49, 16.79, 16.99। ये कुछ टेस्ट सीरीज वाले इस तरीके के क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, इससे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। क्वेश्चन कैसे डिसाइड होगा, 10 लाख, ठीक है, 15 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, इससे पता चलेगा कि यार आपको आइडिया है या नहीं है। तो MCQ सेट करने का, ऑप्शन सेट करने का भी एक तरीका होता है, अदरवाइज जिसको कुछ आइडिया नहीं ना वो इस तरीके के क्वेश्चन सेट करते हैं, ऑप्शंस देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस में मैं काफ़ी टाइम से है हूँ, और मैंने कुछ जो पेपर सेटर थे वो UPSC में 5-6 साल पहले, उनसे मैंने बात की थी कि यार ये किस तरीके से करते, पर्पस क्या होता है। लेकिन अभी इस साल या पिछले साल UPSC के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं ना वो भी मतलब इलॉजिकली सेट किए हैं, कि उससे ये ही नहीं पता चल रहा कि यार ये क्या जानना चाहते हैं। और बैंक की देखो अभी हम इतना एनालाइज करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि यार जिसका कोई मतलब नहीं, और हमें ये ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार ये क्यों पूछा है,
लेकिन ना हमारे हाथ में कुछ चीज़ें नहीं हैं जिससे कि हम एग्ज़ाम प्रोसेस के ऊपर हम क्वेश्चन करके कोई फ़ायदा नहीं है, जो एग्ज़ाम में आता है इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, एक ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग होना, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, अगर आपने 550-600 करोड़ भी बोला तो चलेगा, बस 100 करोड़ बिलियन डॉलर, 550-600 बिलियन डॉलर्स, अगर कोई 100 बिलियन डॉलर्स बोलेगा तो इसका मतलब उसको कुछ आइडिया नहीं है, 1000 बिलियन डॉलर बोलेगा इसका मतलब उसको कुछ आइडिया नहीं है, 550-600 बिलियन डॉलर्स ये ठीक ठाक है, एग्जैक्ट नंबर कोई नहीं जानना चाहता, वो जानना चाहता है कि आपको कितना ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे कि बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन अप्रैल टू मार्च, ठीक है, 100 रुपीज़ का क्या हुआ, किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, 200 का किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, 500 का किस तरीके से, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है 2000 नोट का मूवमेंट जानना, जो 2017 में क्या था और आज के डेट में क्या हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट, बाकी तो उन्होंने दिखा दिया। और 500 का काफ़ी बढ़ रहा है, 100 के नोट आपको पता है 100 के नोट भी बहुत कम हो गए, और ये UPI का भी इफेक्ट है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी है तो पेमेंट रिलेटेड क्वेश्चन में या UPI में या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चन में आप ये इन्फॉर्मेशन आंसर डिस्क्रिप्टिव आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। काउंटरफिट नोट्स के बारे में देखिए क्या दिया है, 100 रुपीज़ की कितनी काउंटरफिट नोट्स मिली, 200 की कितनी मिली, 500 की कितनी मिली, 2000 की कितनी मिली, ये RBI का सोर्स है, आपको आइडिया होना चाहिए कि यार किस तरीके से ये मार्केट वर्क करता है। RBI टू इंश्योर गवर्नमेंट फंड रेज इज स्मूथ डिस्पाइट ग्लोबल कंसर्न, गवर्नमेंट फंड रेज का मतलब है RBI के लिए पैसा रेज करना, क्यों, क्योंकि RBI क्या है, RBI इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को कुछ लोन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसा कौन रेज करेगा, वो RBI रेज करेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। सेंट्रल बैंक प्रिपेयरिंग फॉर अ रेनी डे, इसका मतलब क्या है, प्रिपेयरिंग फॉर रेनी डे का मतलब क्या होता है, कि अभी मान लीजिए अभी समर चल रहा है, तो रेनी डे में क्या होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, बारिश होती है, ये है, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है, छाता अच्छा करना है, कुछ शूज़ है तो वो करना है, घर की मरम्मत करनी है, उसी तरीके से इसका मीनिंग है कि अगर इकोनॉमी में आगे जाके कुछ होगा तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़िए उसमें के सारे आर्टिकल पढ़ लीजिए, तो ये एक तरीका है प्रिपेयर करने। फेक 1000 स्टिल स्लॉचिंग न्यू 500 सीज अ शार्प स्पाइक, यानी कि जो नए नोट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, यस। काउंटरफिटिंग में देखो, काउंटरफिटिंग ना ये एक टाइप का बिजनेस है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको तो मेहनत तो नहीं करनी, तो सबसे अच्छा क्या है, मेहनत किस लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो ये लोगों का क्या कहना है, यार हम तो दिमाग लगाएंगे, ये जो काउंटरफिट, आपने वो फर्जी सीरीज़ देखी होगी ना, वो शाहिद कपूर ब्रिलियंट होता है, उसको पता है किस तरीके से ये करना है। तो कुछ लोग ब्रिलियंट लेकिन जो थोड़े से क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं उनको मेहनत नहीं करनी है, और ये ऐसे काउंटरफिट वहाँ पे वो बहुत दिमाग लगाते हैं, ये टेक्नोलॉजी करो, फॉरेन से मशीन मंगवाओ। मतलब मैं जब RBI में था तब हम मैसूर गए थे, मैसूर में प्रिंटिंग होता है RBI रुपीज़ का, तो वहाँ पर हाईएस्ट लेवल की मशीन है, जो बैंक में देखते हैं मशीन, वो सिंपल मशीन है, सिंपल 2-3 फीचर चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पे हाईएस्ट लेवल की मशीन होती है। तो उन्होंने कहा कभी कभी ऐसे टाइप की भी नोट्स आती है कि जो ये मशीन भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, लेकिन एज अ पर्सनल लेवल हम थोड़ा सा देख के पता कर सकते हैं कि यार ये फेक है, वो भी डाउटफुली, 100% नहीं, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई अभी फॉरेन में भी, तो ये एक बहुत प्रॉब्लम है। इसकी वजह से अभी ₹1 का कंसेप्ट आया है, लेकिन उसमें भी आपको पता है कि लोग साइबर क्राइम में, अगर मान लीजिए किसी ने उसमें अगर कुछ कर लिया तो क्या होगा, तो वो रिस्क तो रहेगी रहेगी, आप फिजिकल फॉर्म में करें या डिजिटल फॉर्म में करें, ठीक है। क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी अच्छी साइड से बढ़ रही है, उतनी ही टेक्नोलॉजी जो करप्ट माइंडसेट के लोग हैं, निगेटिव माइंडसेट के हैं, क्रिमिनल माइंडसेट के लिए, वो भी उतना ही ट्राई करेंगे ये सारा करने का, बिकॉज ये ईजी वे है पैसे कमाने का, लेकिन मेहनत तो वहाँ पर लगती है, लेकिन फिर जब पकड़े जाते हैं तो फिर लाइफ बर्बाद हो जाती है। RBI डिविडेंड टू गवर्नमेंट ट्रिपल्स ऑन फॉरेक्स इनकम, टाइटर लिक्विडिटी, आपने देखा होगा ये दूसरे न्यूज़पेपर से वहाँ पे भी आता है, यानी कि ये जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना सरप्लस है, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस है। एग्जैक्टली अभी जो नंबर है, जैसे मैंने बताया आपको कि ग्रॉस नंबर याद रखना है, लेकिन ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जैक्टली याद रखना है, ठीक है। 87
416, दो तीन बार लिख लेना है, ठीक है, दो तीन बार लिख लेना है, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। 87,416 crore rupees, ये है सरप्लस। इसको प्रॉफिट नहीं कहते क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग सरप्लस है, यानी कि आपका इनकम है माइनस आपका एक्सपेंडिचर है, जो बचा वो आपका सरप्लस है, और ये सारा का सारा सरप्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, आरबीआई का ओनर है। इसमें से कुछ कंटिंजेंसी के लिए पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। कंटिंजेंसी यानी कि कुछ पैसा आगे कुछ अगर इकोनॉमी में कुछ निगेटिव होता है तो उसके लिए सेफर साइड के लिए रखना है। ग्लोबल आउटरीच ऑफ यूपीआई एंड रुपे कार्ड्स, देखो यूपीआई के बारे में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कुछ डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आ सकता है फिनटेक यूपीआई इस तरीके से, ठीक है, ये भी एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। आरबीआई श्योर ऑफ इंडियाज ग्रोथ बट स्ट्रेसेस ऑन रिफॉर्म सस्टेनिंग, यानी कि जो रिफॉर्म्स हमने किए हैं वो सस्टेन बेसिस पे होने चाहिए, इस पर थोड़ा सा स्ट्रेस आया हुआ है, ठीक है। सेंट्रल बैंक सीज FY24 ग्रोथ एट 6.5%, फ्लैग्स अनइंस्पायरिंग ग्लोबल आउटलुक। तो ये जो नंबर है ये भी हमें 6.5% याद रखना है, ठीक है। ये जो है ये बिजनेस लाइन्स है, ठीक है, जो पढ़ते हैं उनको फॉन्ट से पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा बिजनेस लाइन नंबर 1 पे एंड नंबर 2 पे बिजनेस स्टैंडर्ड, ये दोनों पेपर का 31 मई का जो इशू होगा वहाँ पर आरबीआई एनुअल रिपोर्ट रिलेटेड जितनी यूज है उतना भी अगर आप पढ़ेंगे अलॉन्ग विथ अवर 50 MCQs, और ये जो PPT ये तो मैं देने ही वाला हूँ, तो वो देखना है आपके पास टाइम कितना है, आपके पास एनर्जी है, आपको पास इंटरेस्ट है, और आपको इसका इम्पोर्टेंस कितना आप परसीव करते हो, किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस होना और वो परसीव आप करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। मैं कितना भी वहाँ पे बताऊँ कि ये इम्पोर्टेंट है लेकिन आपको लगा ही नहीं कि अरे ये इम्पोर्टेंट है, आप तो नहीं पढ़ेंगे। ये हर एक का अलग अलग परसेप्शन है। एट जस्ट 5.7 crore rupees ई रूपी येट टू टेक ऑफ इन अ बिग वे। तो हमने लास्ट के जो स्लाइड्स में देखा था ये अमाउंट देखा था, ये टोटल था रिटेल प्लस होलसेल, और ये जो बात है ये रिटेल की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये है, ये देखो ये देखो, तो टोटल ये रुपी होलसेल ये है 10.69, ये है 10.69 और ये है 5.70, तो ये हो गया आपका 16.39। ये कैलकुलेशन देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। चैलेंजेस फॉर मार्केट बोरिंग एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट। चैलेंज यानी कि मार्केट बोरिंग यानी कि आप जब कोई ट्रेजरी बिल्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा आ सकता है, ऐसा यहाँ पर कहना है। फॉर बेटर इफिशेंसी आरबीआई लुकिंग एट द लाइट वेट पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, पोर्टेबल यानी कि इजी वे में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। GDP ग्रोथ फॉर FY23 में एक्सीड 6-7%, जो 6.5 हमने जो देखा था वो FY24 का था, और ये जो है अभी GDP फोरकास्ट जो है FY23 का ये 7% के आसपास रहेगा, ठीक है। RBI मुड्स लाइट पेमेंट सिस्टम, ये देखो ये दूसरे पेपर से, ये आई थिंक ये है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो पेमेंट सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ आएगा, और RBI के सिलेबस में भी थोड़ा जो इस बार चेंज किया है उसमें पेमेंट सिस्टम का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। RBI calls for structural reforms for medium term GDP growth, ठीक है। structural reforms यानी कि आपका जो सिस्टम है ना उसमें बेसिक टाइप के रिफॉर्म्स हो, जैसे पेमेंट सिस्टम लाया गया है, या कोई जो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए कोई अगर हम चेंजेस करते हैं, नए रूल्स लाते हैं, नए प्लेटफॉर्म्स लाते हैं, कॉमन पब्लिक को अगर हम वहाँ पर इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जहाँ पर बेसिक सिस्टम्स एंड पॉलिसीज एंड फंक्शनिंग में चेंज होते हैं उसको हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। RBI likely to issue expected credit loss norms this fiscal, ठीक है। 500 notes के बारे में क्या क्या है, counterfeiting के बारे में, ये अलग newspaper से, वो जो हमने देखा था वो अलग newspaper था, इसलिए मैंने सारे newspaper यहाँ पे include किए, तो आपको पता चलेगा कि सारे newspaper में common types के news आ रहे हैं, यानी कि उसका importance वहाँ पे है ही है यहाँ पर, ठीक है। gold holding कितना बढ़ गया है, ठीक है, fake notes ही decline है, बैंक रिपोर्ट्स हायर नंबर ऑफ फ्रॉड्स, जो हमने देखा वहाँ पे कि प्राइवेट में पब्लिक सेक्टर से डबल से ज़्यादा फ्रॉड्स हुए हैं, नंबर ऑफ फ्रॉड्स की हम बात कर रहे हैं।
तो देखो अभी तक तो हम रिपोर्ट चालू भी नहीं किया है एक्चुअल, मतलब तो आरबीआई का जो रिपोर्ट का पीडीएफ है वो देखना चालू नहीं किया है। अब तक मैंने आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर से क्या क्या पढ़ना है वो बता दिया, तो अभी यहाँ से आके एक्चुअल रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। और वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, बहुत कम लोग जो है यहाँ तक आए होंगे अब यहाँ तक, मतलब आप जो देख रहे हैं वो, और फिर एंड तक बहुत लोग रहेंगे क्योंकि सबके बात बस की बात नहीं है ये, ठीक है, सबके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं आपके मन में इच्छा है तो आपको इसका बहुत फायदा होगा। देखो क्या क्या होता है ना रिपोर्ट में, अभी देखो सेंट्रल बोर्ड का स्ट्रक्चर यही है, लोकल बोर्ड्स एग्जाम में पूछेंगे लोकल बोर्ड्स क्या है, ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में तो जिनको पता नहीं होगा वो उनको तो पता ही नहीं चलेगा यार ये क्या है लोकल बोर्ड, तो मैंने कभी सुना नहीं। लोकल बोर्ड जो है आरबीआई अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया में फंक्शनिंग करता है, और उन्होंने उनके चार पार्ट्स किए, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, और हर एक जो रीजन है उसका जो फंक्शनिंग है उसके कुछ प्रॉब्लम्स है उसके लिए एक लोकल बोर्ड बनाया गया है। जैसे वेस्टर्न एरिया का लोकल बोर्ड है, इसमें अभी एक भी आदमी नहीं है। इससे आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट को कितनी चिंता है इकोनॉमी की। ईस्टर्न में सिर्फ 1% है बोर्ड में, 1% क्या करेगा। नॉर्थ में एक है रेवती अय्यर मैडम, एंड सदन में कोई नहीं है, यानी कि ये पोस्ट खाली है, ये पोस्ट खाली है। ऐसे इम्पोर्टेंट पोजीशन पे जो नेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे जगह पे ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। गवर्नर है एक, डिप्टी गवर्नर मैक्सिमम चार होते हैं, ठीक है। बीच में चल रहा था कि बढ़ाएंगे लेकिन बढ़ाया नहीं, पहले दो थे आई थिंक, फिर उसके बाद तीन हो गया। अभी लेटेस्ट जो आरबीआई का एक्ट है उसमें लिखा है नॉट मोर देन फोर, तो अभी चारों के चारों हैं, ये पता होना चाहिए। लास्ट टाइम मुझे याद है 2021 में एक इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू ले रहा था मैं, एक को मैंने पूछा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स के नाम बताओ, उसको एक भी नहीं आया। मैं इंटरव्यू में दो टाइप के क्वेश्चन है वो, उसको मैंने अभी पता नहीं किसी ने किया, मैं मैनेजमेंट में अगर आपने देखा होगा सेटिस्फायर एंड नॉन सेटिस्फायर, ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब है अगर ये टाइप का क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन अगर किसी ने पूछा आपको इंटरव्यू में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स के नाम बताइए और आपने बता दिया, तो कोई कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज एक्सपेक्टेड, समझ में आपको, दिस इज एक्सपेक्टेड, ये तो आना ही है, ये आ गया तो इतना इंपॉर्टेंस, मतलब इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा पॉजिटिव। लेकिन अगर नहीं आया ये क्वेश्चन का आंसर तो फिर गए, ठीक है। अगर आप आरबीआई के गवर्नर डिप्टी गवर्नर के नाम नहीं बता सकते तो फिर आपको क्या आता है। तो ये ऐसी जो क्वेश्चन है ना जो एक्सपेक्टेड है कि ये आने ही चाहिए, अगर ये नहीं आया तो फिर आपका बहुत चांस कम हो गया, ठीक है। ये मैं आपको, ये डिससेटिस्फाइड टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर नहीं आया तो बहुत डिससेटिस्फेक्शन होगा कि यार आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का नाम नहीं पता, तो चलो फिर। अभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सेक्शन 81B के हिसाब से कौन डायरेक्टर्स है, इसको कहेंगे सेटिस्फायर। ये क्वेश्चन का आंसर आपको अगर नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड था ही नहीं। लेकिन अगर आपने इसका आंसर दिया तो फिर 70 के आसपास मार्क मिलेंगे आपको, समझ में आ रहा है आपको। जो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं वो अगर गलत हुए तो बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं कुछ कि जिनका वो आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे किसी से लेकिन आ गया तो फिर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये दो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, मुझे लगता है किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बहुत सालों से बताते आ रहा हूँ क्योंकि मैंने कम से कम 1000-2000 इंटरव्यू लिए हैं बच्चों के, ठीक है। तो वो बात होती है कि जिससे ड्रास्टिक चेंज होता है, ड्रास्टिक चेंज यानी कि जो इन से आउट होता है या आउट से इन होता है, यानी कि बहुत कम मार्जिन पे है, 70 से ज़्यादा ही मार्क्स चाहिए तो सिलेक्शन होगा, तो फिर 70, 71, 72 मिल जाते हैं। ये सारे डायरेक्टर्स हैं। आइडियली आइडियली इफ़ यू आर रीचिंग एट इंटरव्यू स्टेज, आपको सब लोगों के नाम पता होने चाहिए, और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फाइनेंस मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से दो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। उस नीचे दिए गए ऑप्शन में से वो कौन से है आइडेंटिफाई, 1 2 1 2 2 3 3 4 इस तरीके से। तो ये है अजय सेठ एंड विवेक जोशी।
मैं आपको जैसे क्वेश्चन था ना कि क्या क्या आ सकता है, मैं बीच बीच में आपको बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का एनालिसिस ना आपने देखा होगा ना कोई बनाएगा, क्योंकि मैं ये बहुत सालों से 10 साल से पढ़ रहा हूँ, और इसका इम्पॉर्टेंस फेज़ वन में, फेज़ टू में, इंटरव्यू में क्या होगा, और उससे भी ज़्यादा जाके अगर आपने ये रियल में समझ लिया तो आपको पर्सनल गेन तो बहुत होगा। आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, आप बिज़नेस कौन सा करेंगे, आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी है या मेटल्स है या क्रूड ऑयल है, वो तो आप कभी किसी सुना है आपने किसी ने यार मेटल्स में इन्वेस्ट किया है, कॉपर में, निकल में, ठीक है, कमोडिटीज़ मार्केट में होता है वो, उतना उतनी क्या कहते हैं, उतना इंसाइट किसी को नहीं है, उतनी जानकारी भी नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं। तो मैक्सिमम लोग है म्यूचुअल फंड में खेल रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, और वो भी कितना, अगर आप म्यूचुअल फंड, अगर मान लीजिए किसी ने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए स्टॉक मार्केट में या 50,000 किए और 10% का ग्रो हुआ तो 5,000 मिलेंगे बस, ठीक है। इसलिए बेस बड़ा होना चाहिए, जिसका बेस 10 करोड़ का है, ये तो कहने के लिए मान लीजिए 10% का है, अब 100% लीजिए, मैंने 100% कमाई है, 50,000 पे 50,000 कमाए, लेकिन इससे तो इतना नहीं फर्क पड़ेगा ना, बेस बनाना चाहिए। तो इसलिए लॉन्ग टर्म प्लेयर होना चाहिए, 10 करोड़ पे 20% का प्रॉफिट यानी कि 2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनली अगर कोई पूछेगा, मैथमेटिशियन तो यही बोलेगा ये 100% ग्रोथ है, लेकिन ये एडिशनल 50,000 रुपये करेंगे क्या, दिस इज 20%। यानी कि बताने का पर्पज़ ये है कि यार ये बेस बढ़ाने में ट्राई करो, ना कि ये 100% एंड 20% के पीछे जाने का। ये समझ में नहीं आया हो, जिनको समझ में आया हो बताओ कि सर आपने जो 100% और 20% वाला जो एग्जांपल बताया वो समझ में आ गया मुझे, अदरवाइज लोग परसेंटेज पे खेलते हैं। मुझे 40% का गेन हुआ, कितना, 100 रुपये डाला था 140 मिल गए, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए ये बेस कैसे बढ़ाना है, ये रियल गेम है, परसेंटेज का गेम नहीं है इन्वेस्टमेंट की, ये बात बहुत कम लोगों को बताएं। चलिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो सिर्फ RBI में है ना, या मैंने पहले बताया बहुत बार, उनको ही पता होगा कि अगर कोई आपको पूछता है RBI में कितने ऑफिसेस है, उसका आंसर है 4, ठीक है। ये कहाँ पता चलेगा, यहाँ पे, ये देखो, ये 4 ऑफिसेस है RBI में, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये ही 4 ऑफिस है RBI में, RBI के एक्ट के हिसाब से 1934। ये जो है इनको कहते हैं ब्रांचेस, ठीक है। तो इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी ऑफिसेस आर देयर इन RBI, तो जनरल को क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ये पूरा नंबर बताइए, ये पूरा नंबर जो भी होगा 31, 32, 33, तो वो नॉर्मल है। लेकिन हम जो बोलते हैं ना प्रो, व्हाट इज प्रो आंसर, प्रो आंसर ये है कि सर एज पर RBI एक्ट 1934 देर आर 4 ऑफिसेस इन RBI, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, एंड अदर ऑफिसेस इन नॉर्मल पार्लेंस और इन जनरल पार्लेंस कॉमन पब्लिक कॉल इट एज अ ऑफिस, बट टेक्निकली दोज आर ब्रांचेस ऑफ RBI। सो अगर सिर्फ ऑफिसेस देखना है टेक्निकली तो वो 4 है, अदरवाइज ब्रांचेस इंक्लूड करेंगे तो वो इतने हैं, ठीक है। नंबर देख लेना जब आप इंटरव्यू जाएंगे, अभी याद करने का फायदा नहीं, क्योंकि कभी एक ऑफिस बढ़ गया, कभी मर्ज किया, इस तरीके से हो सकता है कहीं के ऑफिस बढ़ सकते हैं। तो समझ में आया ये, तो ये जो अब तक जो वीडियो देख रहे हैं उनको ही इस टाइप के इंफॉर्मेशन का फायदा मिलेगा, और यही फायदा है इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम समवन हु हैज़ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज दीज थिंग्स आर नॉट नोन इन द जनरल पब्लिक, ठीक है। ये जनरल पब्लिक को नहीं पता है, बाकी के भी जो लोग हैं उनको नहीं पता है, ये एडेड एडवांटेज है, इसका डायरेक्ट फायदा कभी हो सकता है या कभी नहीं हो सकता है। चलिए अभी यहाँ पे क्या करना है, अब ये एक्चुअल रिपोर्ट जो आप देखेंगे, मैंने क्या कहा आपको, एक्चुअल रिपोर्ट लेके बैठना है, जैसे आप पेजेस भी पलटाएंगे ना तो भी आपको एक काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा। लोगों को ना वो देखना ही नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही नहीं देखना है, फाइनेंस मिनिस्टर का जो एक्चुअल स्पीच है वो डॉक्यूमेंट ही नहीं देखना है, कुछ तो भी रेडीमेड चाहिए जो किसी XYZ पर्सन ने बनाया होगा, हमें नहीं पता वो कौन है, ऐसा करने से नहीं होगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, बॉक्सेस दिए गए, और ये जो बॉक्सेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में लिखा है, रोल ऑफ क्रेडिट के बारे में लिखा है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड डिसइन्फ्लेशन के बारे में लिखा है, करेंसी डिमांड पैराडॉक्स क्या है,
इंडियाज एक्सपोर्ट इन एडवर्स ग्लोबल एनवायरमेंट के बारे में लिखा है, रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में। तो ये अभी पायलट ऑन डिजिटलाइजेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड लेंडिंग है, ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है, तो जिनको इंटरेस्ट है उनको ये देखना है, ठीक है। बाकी कंटेंट में ये यही कंटिन्यूशन में है, रिस्क कल्चर के बारे में है, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, ये अंदर की बात है, ये आरबीआई, ये जो टॉपिक है ये ह्यूमन रिसोर्स वाला है, वो अगर आप एक्सक्लूड भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन जस्ट देखना है। हम बोलते हैं ना यार, पेजेस पलटा है मैंने, पन्ने पलटा है, बस देखिए यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग बॉक्स दिखा तो देख लिया। अपेंडिक्स टेबल ग्रॉस सेविंग के बारे में है, इन्फ्लेशन मनी के बारे में है, की फिजिकल इंडिकेटर्स है, मैं आगे दिखाऊंगा। ये जो वीडियो है ना ये बहुत बड़ा होने वाला, मुझे लगता है 2 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा। ये जो है ना टोटल 600 के आसपास एब्रीविएशन है, कितने हैं 600, अगर मैं एक जन एब्रीविएशन सिर्फ पढ़ना है, यहाँ पे कोई दिमाग की बात नहीं है यहाँ पे कि यार ये क्या है एक्सप्लेन करो, ठीक है। अगर ये सारे के सारे मैं 600 पढ़ूंगा तो 1.5 घंटा तो उधर ही चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है, एक बार गो थ्रू करना है। जैसे मैं बताता हूँ क्या देखना है, जैसे देखो ये क्या है, AREAER एनुअल रिपोर्ट ऑन एक्सचेंज अरेंजमेंट्स एंड एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस। कुछ अगर डिफिकल्ट पूछें तो पूछ सकते हैं। आसियान सबको पता होगा, एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशंस, BRB एंड MPL क्या है, भारत रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिक्स क्या है, कंट्री के बारे में है, ठीक है। BCBS क्या है, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, BBPS क्या है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये लास्ट वाला है, VRRR वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, WACR वेटेड एवरेज कॉल रेट, यानी कि जो कॉल रेट होता है पूरे साल का, अगर हम उसका वेट निकालेंगे, वेटेड का मतलब होता है कितने अमाउंट का हुआ है और कितना उसमें इंटरेस्ट रेट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल डिवीजन करेंगे कितने का ट्रांजेक्शन हो, तो उसको कहते हैं वेटेड एवरेज कॉल रेट। XBRL एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, आई थिंक ये 15 या 16 में आया था फुल फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गो थ्रू करना है, इसमें से 600 में से आप 60 जो फुल फॉर्म्स होंगे आपके हिसाब से उसको टिक मार्क करना है, ठीक है। अगर प्रिंट आउट निकालेंगे या एब्रीविएशन का तो प्रिंट आउट निकाल लो, सॉफ्ट कॉपी में रखना है तो सॉफ्ट कॉपी में रखो, लेकिन इसमें से 60 आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है, 60 आइडेंटिफाई कर लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो AEPS क्या है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म आपको पता है, एक फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है प्रीलिम्स में या मेंस में या फेज वन या फेज टू में। अभी हम आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। पार्ट वन में आपको ब्रॉड चीज़ें याद रखनी। पार्ट वन में क्या है, इकोनॉमी रिव्यू एंड प्रॉस्पेक्ट्स, मतलब क्या हुआ था, आगे क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ना एक चीज़ यहाँ पर करनी है, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको करनी है, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। देखो जो जिनको पढ़ना है ना वो तो पढ़ना चालू भी किए होंगे और ख़त्म भी किए होंगे, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, मैक्सिमम लोगों को इस तरीके से बनाना है कि कम से कम टाइम में, कम से कम एफर्ट्स में हमें कुछ मिले, मतलब एक सब्सटेंशियल मिले। अदरवाइज़ ये पढ़ने में तो आपको 40-50 घंटे लगेंगे, सबके पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन 5 to 6 hours सबको देने पड़ेंगे। जिनको मॉडरेट लेवल का इसका इम्पोर्टेंस पता है ना, 5 to 6 है, और जिनको कुछ भी नहीं करना है बस ये वीडियो सुन लो एक बार वीडियो सुन लो, और मैं 50 MCQ का लिस्ट आपको दे दूंगा, ठीक है। लिस्ट यानी कि वो लिंक होगा, आपको जाके मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिलेगा वो, ठीक है, उतना मिलेगा आपको जाके, फिर वहाँ पे आंसर बिंसर सब मिलेंगे, मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिलेगा, उतना कर लेंगे तो एक आपका 60-70% काम हो जाएगा। अभी जिनको मॉडरेट टाइप का इंटरेस्ट है उनको क्या करना है, कोई भी अगर आप टाइप ओपन करेंगे, कोई भी एक चैप्टर ओपन करेंगे, जैसे असेसमेंट एंड प्रॉस्पेक्ट्स, यहाँ पे जाके जो टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट है ये है, यहाँ से ये जो पॉइंट ख़त्म होता है यहाँ पर, ये एक पढ़ लेना है यहाँ से यहाँ तक। इससे क्या होगा, आपको इस टाइप का ये जो चैप्टर है उसका एक आइडिया आ जाएगा। देखो क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी ये सेकंड टॉपिक है, जैसे ये असेसमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस क्या है ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है ना, ये आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग लिखने में बहुत फ़ायदा होगा। देखो द ग्लोबल इकोनॉमी वॉज रिकवरिंग फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द सक्सेसिव वेव्स ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक बाय अर्ली 2022, एडेड बाय अ लार्ज पॉलिसी स्टिमुलस एंड एक्सपांडिंग कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन व्हेन द वॉर इन द यूक्रेन जॉल्टेड द
अपटन चौल्टे, यानी कि वो एक रुक गया वहां से, जब हम आगे बढ़ रहे थे तो वो रुक गया। ये लाइन, द गेन्स अचीव थ्रू कंसर्टेड फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक पीरियड 2021 वेर अंडरमाइंड बाय द इम्पैक्ट ऑफ द वॉर। यानी कि ये कह रहे कि यार इतना हम अच्छा रिकवर कर रहे थे, लेकिन ये जो सारी मेहनत है हमारी पानी में गई क्योंकि ये वॉर चालू हो गया। और अभी वॉर होके एक सवा साल होने को आया है और वॉर चल ही रहा है, इसका मतलब है अभी देखो ये टॉपिक निकल गया, यानी कि वॉर अभी रशिया हार गया है। क्योंकि जब आप इतने बड़े होते हो और आपके सामने एक इतना पर्सन है तो आपको इसमें दो चार घंटे में निपटा देना है, अगर एनर्जी की बात करें, हम कुश्ती की बात कर रहे तो। लेकिन इस केस में हो रहा है कि ये वॉर अभी 600-700 दिन से चल रहा है ना, एक सवा डेढ़ साल हो गया उसको। तो इसका मतलब है ये जो बड़ा पर्सन है इस केस में रशिया है और ये यूक्रेन है, यूक्रेन वॉर जीत गया। क्योंकि इतना टाइम वो उन्होंने क्या कहा था कि हम एक वीक में वॉर खत्म होकर करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक है। इसके वजह से ना देखो ये इस टाइप के अगर आप आंसर्स में लिखेंगे तो बहुत ही हाई लेवल का इम्पैक्ट आएगा। इसलिए हम जो कहते हैं ना कि यार जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स मिलते हैं तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा कि जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज ये एक्स क्लास, वाई क्लास, जेड क्लास तो सब लोगों ने लगाया हुआ है, लेकिन ये जो चीज़ है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये आपको करनी पड़ेगी। और मैं आपको ये सिंपल वे में बता रहा हूँ कि यार ये इतना आपको मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अभी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, डोमेस्टिक इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं तो आप देखो अभी ग्लोबल के बारे में किया, लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। तो मिनिमम चीज़ ये है कि एटलीस्ट ये पहले एक दो पैराग्राफ पढ़ लो, अदरवाइज यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो ये फाइनली क्या है ना, मैं कितना भी बताओ एक पेज का भी डॉक्यूमेंट होगा तो वो सारे तो लोग नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैं मिनिमम चीज़ ये है और मॉडरेट लेवल की चीज़ ये है। अभी देखो प्रॉस्पेक्ट्स में क्या है, यानी कि आगे क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमी क्या होने वाला है, यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या होगा, यहाँ से फिर आगे डोमेस्टिक इकोनॉमी का पूरा पढ़ लो, ठीक है। डोमेस्टिक इकोनॉमी का पूरा पढ़ लो क्योंकि हमें डोमेस्टिक इकोनॉमी के बारे में लिखना है। अभी देखो मैं आपको और एक सिंपल वे बताता हूँ, और एक सिंपल वे क्या करना है, कंट्रोल एफ करना है। कंट्रोल एफ पता है आपको, सर्च है, और वहाँ पर कंक्लूजन टाइप करना है। कंक्लूजन इसका मतलब है ये जो टॉपिक है इसका ये शॉर्ट में कंक्लूजन है। टू सम अप, सेवरल शॉक्स टेस्टेड द रेजिलियंस ऑफ द इकोनॉमी इन 2020। रेजिलियंस यानी कि आप कितना डटे रहते हो सिचुएशन लड़ने के लिए, ठीक है। ऑन द बैक ऑफ साउंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, सॉफ्टर कमोडिटी प्राइजेस और रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर, अ हेल्दी कॉर्पोरेट सेक्टर, कंटिन्यूड फिस्कल पॉलिसी थ्रस्ट ऑन क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज स्टेमिंग फ्रॉम द ग्लोबल रीअलाइनमेंट ऑफ सप्लाई चेन्स, इंडियाज ग्रोथ मोमेंटम इज लाइकली टू बी सस्टेन्ड इन 23-24। एक्चुअली ये जो है ना, ये जो राइटिंग का तरीका है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्होंने बीच में फुल स्टॉप ही दिया नहीं, ठीक है। जो अच्छे राइटिंग का, अभी मुझे बताओ हम पढ़े जा रहे हैं और ये स्टेटमेंट एंड ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा कैसे होगा। तो ये जाके यहाँ पे एंड हुआ है, इतना बड़ा स्टेटमेंट। तो ये देखो, ये अभी जो लिखा है ना ये मोस्टली इकोनॉमिक्स टाइप के लोगों ने लिखा। अगर आपको अच्छा इंग्लिश लिखना है ना तो ये जो स्टेटमेंट है इसको आपको 4 स्मॉलर सेंटेंस में बदल लेना है, अदरवाइज ना आपको पता ही नहीं चलेगा यार क्लॉजेस क्या है, कहाँ कॉमा दिया और मीनिंग समझ में नहीं आता है। तो ये ऐसा नहीं लिखना है। तो यहाँ भी लिखा है इन्होंने, ठीक है, लेकिन ये कहीं इंग्लिश का ये नहीं है, ठीक है, कंटेंट हम लेंगे, लेकिन ये इंग्लिश लिखने का अच्छा तरीका नहीं। एक वर्ड में, एक सेंटेंस में आपने 50-60-70 वर्ड डाल दिए, इससे सामने वाले को समझेगा नहीं। तो ये देखना, यहाँ से कंटेंट लेना है, क्या क्या उन्होंने लिखा है उस तरीके से आपको देखना है। ये देखो, ये मैं फीडबैक दे रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप कोई इंग्लिश का जो प्रोफेसर है उनको बोलिए कि ये तरीका अच्छा है क्या लिखने का, एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस में 70 वर्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक रिव्यू, अब ये सेकंड है, ये जो बॉक्सेस आते हैं ना चैप्टर के स्टार्ट वाले, ये पढ़ लेना है आपको। और ये फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा ना 1.1 वाला पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला आता है, अभी देखो द रियल इकोनॉमी, ठीक है। रियल इकोनॉमी में ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये आपको पढ़ लेना है। रियल इकोनॉमी यानी कि हम जो ग्राउंड पे देखते हैं इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, कमोडिटी प्राइसेस क्या है, आपके रियल इस्टेट के प्राइसेस क्या चल, इसको कहते हैं हम रियल इकोनॉमी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड कैसी है इकोनॉमी। अभी देखो रियल जीडीपी ग्रोथ, अगर आप देखेंगे
जीडीपी का मतलब क्या है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिस्कल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट, ये मिला के आपका टोटल बनता है जीडीपी। इसमें कंजम्पशन में क्या हुआ है, प्राइवेट में कैसे हुआ, गवर्नमेंट में क्या हुआ है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम शॉर्ट में ना इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स। एक्सपोर्ट में क्या हुआ इसके बारे में है, तो टोटल जो जीडीपी है जो हमने देखा था 7 नंबर का, ठीक है, ये क्या वो 6.5 नंबर क्या था, वो FY24 था। अभी ये जो बात चल रही है ये हमारी चल रही है FY23 की, यानी कि पीछे क्या हुआ है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्रॉसली पता होना चाहिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर रिकवरी पोस्ट पैंडेमिक, ठीक है, देखो रिकवरी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की है उसके लिए तो सारे आप क्या कह सकते हैं, उसके लिए सारी सिस्टम है, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है जिसका रिकॉर्ड ही कहाँ पर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इसके लिए स्टडी करते हैं, कुछ सर्वेस करते हैं। देखो अभी यहाँ पे हम एक आप स्टार्टिंग का भी पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या लिखा है। इट हैज़ बीन कंजक्टेड दैट वाइडली कंजक्टेड दैट इकोनॉमिक लॉस ऑन अकाउंट ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक कंटिन्यूज टू वे हेविली ऑन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी। इसका मतलब है हम क्या कहते हैं, एक प्रेडिक्ट करना, या हम जो उसको कहते हैं ना कि यार कुछ विदाउट, लेकिन इसमें क्या होता है ना कंजक्टर में कोई हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होता है, हम कहते हैं ना कि वाइडली यानी कि हम ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, वो मीनिंग है यहाँ पर। ये थोड़ा RBI के एनुअल रिपोर्ट में ना ये थोड़े से हेवी इंग्लिश के वर्ड्स आते ही। देर इज अ नो ऑफिशियल मेजर अवेलेबल ऑन द नेचर ऑफ रिकवरी ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमिक पोस्ट पैंडेमिक। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में कहा अनऑर्गेनाइज का मतलब ही है, अगर आप अनऑर्गेनाइज का डेटा अगर देने लगेंगे तो वो इसका मतलब हो गया आपने कहीं से लाया, वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया। इसके लिए कुछ स्टडी होती है और वो ऊपर ऊपर लेवल पे स्टडी होती है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, द वेरी नेचर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल एक्सपीरियंस डू नॉट रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स और अडेरेंस टू एनी रेगुलेशंस एंड हेंस मेक्स इट डिफिकल्ट टू हैव अ प्रॉपर अकाउंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी इन अ टाइमली मैनर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई अगर आपको पूछेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में तो आप ये बता सकते कि सर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का प्रॉब्लम ही वही है कि यार उसका डेटा ही अवेलेबल नहीं है, और अगर हम उसका डेटा अवेलेबल रखेंगे तो फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे आएगा। इसके लिए क्या किया जाता है, सर्वेस किया जाते हैं और कुछ नॉर्मल स्टडी किए, गवर्नमेंट एज सच इसका रिकॉर्ड नहीं रखता है। तो ये गवर्नमेंट का एवरी टाइम ट्राई रहता है कि इनको हम कैसे मेन स्ट्रीम में लाए, ठीक है, और इसका रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए ये सेक्टर कितना इम्पैक्ट हुआ है ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो बॉक्सेस है ना इससे आपको ये ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे कि वो आपको आंसर लिखने में इंटरव्यू में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। रोल ऑफ क्रेडिट इन ड्राइविंग टर्न अराउंड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखो ये क्रेडिट का मतलब है कि यार कोई बिजनेस प्रॉब्लम में आया हुआ है, कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम में आया हुआ है, छोटे बिजनेसेस है, तो जब तक उनको लोन नहीं मिलेगा क्रेडिट, तो वो फिर कैसे वो आगे बढ़ेंगे। आज के डेट में इंडिया में बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप है या बहुत ऐसे सारे लोग हैं कि जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनको अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट नहीं है इजीली, तो इसलिए ये प्रॉब्लम, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। रियल GVA ग्रोथ, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। ये नंबर का हमें नहीं देखना है, क्या देखना है कि हमारे तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी को हम एग्रीकल्चर भी कहते हैं, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, और टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस कहते हैं। तो ये जो है थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अभी नंबर पे फोकस मत करो। पहला जो होता है प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या है, माइनिंग, क्वारिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ब्रॉडली इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं ब्रॉडली, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। एंड सर्विसेज में क्या है, कंस्ट्रक्शन है, फाइनेंशियल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये टोटल हो गए आपका जो GVA है, या आप उसको GDP कहिए, उसके ये तीन पार्ट है। चलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो इसमें हमें क्या देखना है, अभी नंबर पे मत जाइए, लेकिन जब भी आप एग्जाम के लिए जाएंगे उसके 6-7 दिन पहले तक का जो लेटेस्ट डेटा होगा आपको देखना है, फूड ग्रेन्स में खरीफ क्या है, रबी क्या है,
ठीक है। उसके बाद राइस, व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर केन, कॉटन, जूट, और ये सारा आपको बेसिक बेसिक डेटा है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन से एस्टिमेट्स होते हैं वो आपको याद रखने हैं, अभी मत याद रखिए, लेकिन ये देखना है कि एग्रीकल्चर देखो हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, तो ये जो प्रोडक्शन होते हैं, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, सेकंड एडवांस एस्टिमेट, फाइनल एस्टिमेट, ये नंबर आपको याद रखने हैं, लेकिन अभी मत रखिए, जब आपका एग्जाम होगा 7 दिन पहले आपको रखना है, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021-22 में भी एक दो स्टूडेंट्स को पूछा गया था कि हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स का मतलब क्या है। अगर नहीं पता है तो ठीक है, लेकिन पता चल गया तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इतना मतलब कॉमन ये वर्ड नहीं है या कंसेप्ट नहीं कि सबको पता होगा, तो ऐसे टाइप के कंसेप्ट होते हैं, अगर आप बताएंगे तो आपका बहुत यहाँ पे फ़ायदा होगा। देखो क्या होता है हाई फ्रिक्वेंसी, यानी कि जिसका इकोनॉमी में जो हम क्या कहते हैं एक्टिविटी है, गाड़ी कितनी बिक रही है, ठीक है, टू व्हीलर कितनी है, थ्री व्हीलर कितनी है, उसके बाद आपको आपका जो कार्गो मूवमेंट है, शिप से हो रहा है, फ्लाइट से हो रहा है, ये कितना हो रहा है, उससे क्या होता है हमें पता चलता है इकोनॉमी में कैसे एक्टिविटी हो रही है। अभी देखो ऑटोमोबाइल सेल्स, ठीक है, इससे पता चलेगा कि इकोनॉमी जैसे अगर ग्रीन है इसका मतलब है एक्सपांशन हो रहा है इकोनॉमी में, क्योंकि वो एक्टिविटी बढ़ रही है। रेड में है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि डोमेस्टिक सेल ऑफ ट्रैक्टर्स ये क्वार्टर फोर में 2021-22 में ये कम हुआ है, इससे पता चलता है इकोनॉमी में अगर ट्रैक्टर का ये नहीं हो रहा है इसका मतलब है एग्रीकल्चर में एक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, आप देखेंगे तो, है ना। ऑटोमोबाइल सेल्स का क्या है, अभी ठीक ठाक चल रहा है, येलो में है। पैसेंजर व्हीकल सेल्स में क्या हो रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल एयर पैसेंजर ट्रैफिक क्या है, ये अभी अच्छा चल रहा है, यहाँ पे ग्रीन में है थोड़ा सा, यानी कि एक्सपांशन हो रही है एक्टिविटी। तो देखो जैसे ही इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ जाएगी ये सारा रेड दिखना लगेगा, रेड या ऑरेंज दिखना लगेगा। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो देखे अभी देखो स्टील कंजम्पशन है, सीमेंट कंजम्पशन, ये कब होगा, जब इकोनॉमी में एक्टिविटी होगी, जब लोगों के पास पैसा होगा, लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंपनी फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट होगी, यानी कब होगी वो, जब एक्टिविटी होगी तो भी कोई घर लेगा ना, सैलरी बढ़ रही है, अदरवाइज फिर नहीं। इसका मतलब ये अभी ठीक ठाक चल रहा है, ये येलो में है यानी कि अभी ठीक ठाक है, ठीक है, यानी कि अभी ठीक इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। यस, प्राइस सिचुएशन क्या है, प्राइस सिचुएशन के लिए मैंने कहा आपको जो बड़ा बड़ा हेडिंग दिखता है उसका पहला वाला पैसेज आपको पढ़ना है, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड डिस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड डिस इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन का मीनिंग जानना बहुत जरूरी। देखो इन्फ्लेशन क्या होता है, आपका अगर रेट बढ़ रहे पॉजिटिव है, एक नेगेटिव होता है। डिफ्लेशन यानी कि नेगेटिव, यानी कि कुछ नेगेटिव चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इन्फ्लेशन यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि रेट बढ़ रहा है, लेकिन क्या होता है डिस इन्फ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन तो है 6%, 5.5%, 5%, 4%, लेकिन उसका जो रेट है वो गिर रहा है, इसको कहते हैं हम स्लोइंग ऑफ द पेस ऑफ द इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन अभी कम कम हो रहा है, लेकिन वो इन्फ्लेशन है, वो नेगेटिव जोन में नहीं गया हुआ है, ठीक है, वो नेगेटिव जोन में नहीं गया। ये थोड़ा टेक्निकल है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, टू टेम यानी कि उसको कंट्रोल करना इन्फ्लेशन एंड ब्रिंग इट विद इन द टॉलरेंस बैंड एज इमीडिएट प्रायोरिटी, आरबीआई रेज द पॉलिसी रेपो रेट क्यूमुलेटिवली 250 basis points यानी कि 2.5% बिटवीन मे 2022 एंड फरवरी 23 वाइल शिफ्टिंग पॉलिसी स्टार्ट टू विड्रॉल ऑफ द अकोमोडेशन। देखो इसमें अकोमोडेटिव जो मॉनिटरी पॉलिसी होती है इसका मतलब होता है जो रेट है वो कम रखना, अकोमोडेटिव मॉनिटरी पॉलिसी यानी कि रेट कम रखना। विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन का मतलब है रेट बढ़ाना, ठीक है। ये थोड़ा सा हम क्या कहते हैं जार्गन्स होते हैं, समझने में कभी कभी यहाँ पे दिक्कत आती है। अब ये अच्छी डायग्राम दी है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीपीआई इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन में क्या क्या है, ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस देखो सबसे ज़्यादा ये है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज, हाउसिंग है, पान टोबैको इंटॉक्सिकेंट्स है, हेल्थ है, फ्यूल है। तो यहाँ पे क्या देखना है, नंबर वन पे ये है और ये ऑरेंज वाला पार्ट है फ्यूल एंड लाइट वाला, ये सबसे ज़्यादा है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि किसकी वजह से ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ा है फूड। अब ये डिटेल में एक 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 चीज़ एक्सप्लेन की। अब ये देखो ये काफ़ी अच्छे चार्ट्स हैं, ड्राइवर्स ऑफ सीपीआई एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल, क्योंकि ये इसको कोर कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन यानी कि जो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन है,
हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि उसमें फूड एंड फ्यूल होता है, ये अगर हम दो निकाल देंगे तो इसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। हाउसिंग, ठीक है, अगर आप देखेंगे ना ये ऑरेंज वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा है, ऑरेंज वाला, ये ऑरेंज, ये है आपका क्लोथिंग एंड फुटवेयर। उसके बाद हाउसिंग है, येलो वाला भी काफ़ी, ये क्या वायलेट है, वायलेट वाला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद येलो दिख रहा है, येलो वाला हेल्थ है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। इन्फ्लेशन इन मेजर फूड सब ग्रुप्स, इसमें यानी कि फूड में भी क्या है, अगर आप देखेंगे ये रिसेंट वाला ऑरेंज वाला पोर्शन, तो स्पाइसेस इसमें सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं हमें। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये दिख रहा है सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स है। तो ये एक बस एक बार आपको देख लेना, ऐसा नहीं कि यार सारी की सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। मैं आपको फिर से वही बोलता हूँ, 5 to 6 hours निकालिए, ठीक है। ये मैंने जो वीडियो दिया, ये वीडियो चल रहा है, ये तो देख लीजिए एक बार, पेज पलटा लीजिए क्या क्या है, क्या क्या है, सॉफ्ट कॉपी में देख लीजिए, प्रिंट आउट नहीं निकालना है तो। कंक्लूजन, उस टॉपिक का कंक्लूजन, मनी एंड क्रेडिट, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, स्टार्टिंग वाला, ठीक है। मॉनेटरी एंड क्रेडिट कंडीशंस इवॉल्व इन सिंक विद द मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस एंड द चेंजिंग स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी जैसे चल रही है, सिंक का मतलब है मॉनेटरी एंड क्रेडिट कंडीशन उसके साथ चलनी चाहिए। इकोनॉमी बढ़ रही है तो वो भी बढ़ रहा है, इकोनॉमी कम हो रही है तो वो भी कम, उसके सिंक में चलना चाहिए, अपोजिट में नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे आपको देखना है। करेंसी डिमांड पैराडॉक्स, ये काफ़ी डिटेल में है, जिसको इंटरेस्ट है वो यहाँ पर पढ़ लीजिए, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्या है। देखो यहाँ पर ये कहना है कि जो करेंसी है एंड डिजिटल पेमेंट्स है, ये जो है पैरेलल ग्रोथ इन द कंट्री अपीयर्स काउंटर इंटिट्यू गिवन राइज टू करेंसी पैराडॉक्स। फर्दर COVID-19 हैज इंटेंसिफाइड दिस पैराडॉक्स एज राइजिंग अनसर्टनटीज इंक्रीज द कैश डिमांड डिस्पाइट एक्सलरेटेड माइग्रेशन टू डिजिटल मोड्स ऑफ द पेमेंट। यानी कि अगर हम ऐसा सोच रहे कि अभी लोग जाएंगे डिजिटल पेमेंट्स पे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जितनी अनसर्टनटी बढ़ रही है उतना कैश का यूज बढ़ रहा है, यही पैराडॉक्स है, ठीक है। तो ये आप सारा पढ़ लेंगे, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये मॉनेटरी एग्रीगेट्स के कुछ टर्म्स है, रिजर्व मनी है, M3 है, M3 के अंदर क्या क्या आता है, करेंसी विद पब्लिक है, एग्रीगेट डिमांड है, मेजर सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से ये आता है, नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट, बैंक क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है यानी कि जब ये रिजर्व मनी आती है उसके हाउ मेनी टाइम्स वो जो पैसा है वो क्रिएट होता है, उसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। यानी कि RBI ने अगर सिस्टम में 10 रुपये लाए तो इसका मतलब है उसके 52 रुपीज़ होते हैं मनी क्रिएशन में, ठीक है। मनी क्रिएट होता है क्योंकि आपको पता है जब आप बैंक में पैसा देते हैं तो बैंक किसी और को देता है, फिर उसका कुछ पैसा रखता है, फिर और उसी पैसे देता है, यानी कि सेम पैसे से वो इतना मनी क्रिएट कर सकते हैं, उसको कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन, तो वो होता है मनी मल्टीप्लायर। देखो ये चार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्टोरल क्रेडिट ग्रोथ, इसका देखो ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये एक्सपेंशन है, यानी कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सी जो इंडस्ट्री है उसमें क्रेडिट नहीं जा रहा है। मैंने आपको कहा ना कि यार ये अगर आपको पता चलेगा तो आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन भी ले सकते, ये कहीं नहीं होगा, इसका जो डेटा है ये पब्लिक जनरल न्यूज़ में नहीं आएगा। ये देखो इसका मतलब क्या है, आप अगर देखेंगे, देखो टेलीकम्युनिकेशन स्पेस में आपने देखा होगा वोडाफोन आइडिया का क्या हो रहा है, जियो का क्या हो रहा है, ठीक है। ये देखो इस सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ हो ही नहीं रहा क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री बढ़ी नहीं रही, डिमांड नहीं, तो कौन लेगा वहाँ पे। ये देखो, ये आप देखो यहाँ पर पर्सनल लोन्स, पर्सनल लोन तो ज़बरदस्त लाइन पे चल रहा है, इसका मतलब है कि लोग कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये एक टाइप का एक अच्छा भी साइन होता है क्योंकि कंजम्पशन कर रहे हैं मतलब ये कुछ तो भी ले रहे हैं, कुछ तो भी परचेस कर रहे हैं, यानी कि जो सामने वाली एक्टिविटी है वो कोई इंडस्ट्री होगी, वो फिर बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपको अभी देखो एग्रीकल्चर में, देखो एग्रीकल्चर भी अच्छा ट्रेंड है, यानी कि यहाँ पर भी लोग लोन ले रहे हैं, ट्रैक्टर लोन लेंगे, काफ़ी सारे लोन लेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ेगी, तो यह जितना ग्रीन में आएगा उतना यहाँ पर अच्छा है। अभी यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स, तो ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लेना है।
मनी मार्केट, यहाँ पर एक छोटा अगर पैराग्राफ दिखता है तो आपको दो पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ लेने कि उस सेक्टर में क्या क्या हो रहा है, गवर्नमेंट फाइनेंसेस में क्या हो रहा है, तो यहाँ से आपको एक एक फैक्टर पढ़ लेना है। और मैंने आपको कहा कि अगर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो जितने कंक्लूजन्स आपको इस रिपोर्ट में दिखेंगे वो आपको पढ़ लेना है। देखो ये अगर आपको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड देखो ये इसकी ज़रूरत है ये नहीं, और वो कोई सुनना नहीं चाहेगा। अगर करना भी है तो उसको 30-40 घंटे लगेंगे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा है एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच। और अभी मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा एग्ज़ाम ओरिएंटेड से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो सबसे आसान वे है मैं फिर से बता, क्योंकि बीच बीच में ना आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आएंगे कि यार ये क्या चल रहा है, हम इतना कैसे करेंगे, हम कितना कैसे याद रखेंगे। तो ये जो पूरा पढ़ेंगे तो आपका ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाला है। ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग हम बोलते हैं ना, मोटा मोटा अंदाज़ा लगेगा कि क्या चल रहा है। उससे आपको फ़ायदा होगा कि आप सही आंसर पे आ पाएंगे या फिर कुछ गलत आंसर आप एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट्स फिस्कल परफॉर्मेंस, ठीक है। यानी कि फिस्कल का मतलब होता है टैक्स एंड एक्सपेंडिचर, ये याद रखिए। कभी भी फिस्कल वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है टैक्स रिलेटेड और एक्सपेंडिचर रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ, नेट टैक्स रेवेन्यू कैसा है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, तो ये नंबर देखेंगे आप। तो ये कम हुआ ये अच्छी बात है, ठीक है। ये भी कम हुआ रेवेन्यू डेफिसिट, ये अच्छी बात है, ठीक है। ये आपको देखना है या। और ये बजट वाला नंबर है, ये जो नंबर है ये बजटेड एस्टिमेट है 23-24 का, ये जो नंबर है ये बजट डॉक्यूमेंट से आते हैं। टैक्स बॉयंसी, देखो यहाँ पे ये पढ़ने का फायदा ना, कुछ आपको थ्योरी भी समझ में आएगी। टैक्स बॉयंसी इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू चेंज इन द नॉमिनल जीडीपी एंड टू डिस्क्रिशनरी चेंजेस इन द टैक्स पॉलिसीज। इसका मतलब है अगर जीडीपी बढ़ती है तो उसके रिस्पॉन्स में जो टैक्सेस का रेवेन्यू है वो बढ़ता है नहीं बढ़ता, इसको कहते हैं टैक्स बॉयंसी। और ये है कंक्लूजन। While committing to credible fiscal consolidation, the government has led the revival in investment cycle through augmented capital expenditure. तो अगर आपने economic survey budget पढ़ा होगा तो 10 lakh करोड़ का capital expenditure होने वाला है। Recognizing its multiplier effects by crowding in private investment and lifting the economic growth potential, यानी कि जब ये होगा तो आगे economy को boost मिलेगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस में ला रहा हूँ, बस आपको वो देखना है कि जैसे रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सेक्टर्स टू एक्सपोर्ट ग्रोथ, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने पॉजिटिव लाया है, कौन से सेक्टर्स ने नेगेटिव लाया हुआ है। कमोडिटीज़ ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट में देखिए, जैसे टेलीकॉम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इसका दिया हुआ पर, ठीक है। इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कौन से एरिया से यहाँ पे पड़ा है, कौन से एरिया से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ये कम हुआ है ये इंक्रीज हुआ है। इंडियाज पेट्रोलियम इंपोर्ट्स कहाँ से हम कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इमेजेस में यहाँ पे ला रहा हूँ, आपको बस गो थ्रू यहाँ पर करना है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। FDI, नेट FDI कहाँ पर हुआ है, ग्रॉस इनफ्लोज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी ना लास्ट के कंपेरिजन में अभी नंबर में थोड़ी सी कमी आई, अब देखो ये अच्छा सा कम हुआ है। सोर्सेस कहाँ से, ये क्वेश्चन फेज वन में भी आ सकता है, फेज टू में भी आ सकता है। सिंगापुर है, उसके बाद मॉरिशस है, US है एंड UAE है, ठीक है। बाकी अदर्स मिला के ये है, तो लेकिन ये ट्रेंड, ये चार इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी इंडिकेटर्स, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है बाहर के चीज़ पे कितने डिपेंड है, जैसे एक्सटर्नल डेट टू GDP, ठीक है, ये रेशो हमारा कम है। अब डिवाइस का देखेंगे तो 20% है, ये नंबर जितना कम है उतना अच्छा है। रेशो ऑफ शॉर्ट टर्म डेट टू टोटल डेट, ठीक है, रेशो ऑफ रिजर्व टू टोटल डेट, एक्सटर्नल डेट ओवरऑल कितना है, ठीक है, नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन कितनी है, तो ये जो नंबर है इसका मतलब है ये वल्नरेबिलिटी इंडिकेटर्स है। यानी कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ एडवर्स इम्पैक्ट आता है तो हमारे इकोनॉमी पे उसका कितना असर होगा। अगर एक्सटर्नल डेट बहुत ज़्यादा होगा ना, तो वो जैसे हम क्या कहते हैं कि डॉलर और रूपी में अगर बहुत ज़्यादा चेंज आएगा तो हमें रीपे करने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो। इसलिए ये वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स देखना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी एक कंक्लूजन्स है, तो सारे के सारे कंक्लूजन्स है, कंट्रोल F कीजिए, सारे के सारे कंक्लूजन्स पढ़ लीजिए।
मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस के बारे में क्या क्या हुआ है, वॉर से स्टार्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया, बाकी एजेंडा जो है वो आरबीआई का एजेंडा है, एजेंडा में ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको ये पढ़ के दिखाता हूँ। Since 1990s, policy interest rates have emerged as the key instrument for the conduct of the monetary policy across central bank. यानी कि policy जो rate है, यानी कि हमारे यहाँ पे repo rate है, इसीलिए उसको policy repo rate कहा जाता है, क्योंकि वही एक interest rate होता है जिसको हम change करते हैं, उसके बाद उसके basis पे बाकी के rate change हो जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं policy repo rate. The use of cash reserve requirement has accordingly diminished. यानी कि जो CRR SLR है उसका importance कम हो रहा है, ऐसे ये कह रहे हैं। Nonetheless, reserve ratio remains an important counter-cyclical instrument for fostering monetary and financial stability in major emerging market economies. यानी कि इनका कहना है कि अभी ठीक है कि policy repo rate important है, लेकिन reserve ratio जो होता है, cash reserve ratio and SLR जो होता है, वो बहुत, अगर हम क्या कहते हैं, बहुत turmoil आ गया economy में, तो वो जो पैसा होता है वो काम में आता है, तो इसलिए वो reserve ratio है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा ना, contingency fund बना के रखा है हमने, उसको कब हाथ लगाना है, जब यहाँ पे कुछ जॉब चला गया, बहुत बड़ा कुछ डिजास्टर हो गया, तभी उसका फायदा है। इसी तरीके से कंट्री के लेवल पे रिजर्व रेशो का इम्पोर्टेंस अभी भी है, लेकिन वो मेन इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। लिक्विडिटी की ड्राइवर्स इन द मैनेजमेंट, क्या क्या, जैसे ये CIC है, करेंसी इन सर्कुलेशन है, नेट फॉरेक्स परचेसेस, यानी कि जब हम फॉरेक्स परचेस करते हैं, ठीक है, यानी कि हमने पैसा वहाँ पे दिया है, जब हम सेल करते हैं, यानी कि मैंने डॉलर रिलीज किए, डॉलर दिए फॉरेन एक्सचेंज, जैसे मैंने $100, ठीक है, $100 अगर मैंने परचेस किए, तो मैं रिलीज क्या करूँगा, रुपी रिलीज करूँगा। अगर मैं $100 बेचूँगा, ठीक है, यानी कि डॉलर मार्केट में जाएगा एंड रुपी मेरे पास आएगा, इस तरीके से वो उसका चेंजेस है, वो किस तरीके से होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैश बैलेंस कितना है, एक्सेसिव रिजर्व कितना है, यहाँ पे डीप में नहीं जाना, अगर कोई कहेगा कि सर ये क्या है, ये क्या है, इतना नहीं जाना, इसलिए हमें एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच करना है, अगर आपको रियली में इसमें पढ़ना है, लेकिन वो किस पर्पस के लिए पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ना, लोग मैंने देखा कि सर नहीं ये बताओ सर ये क्या है, फिर ये बिल्डअप का मतलब क्या है, ये ड्रॉन डाउन का मतलब क्या है, इतने डीप में हमें नहीं जाना है, ठीक है, हमें उतने डीप में नहीं जाना है। जब इंटरव्यू में बच्चे आते हैं, मुझे पूछते हैं, मैं बोलता हूँ RBI डिप्टी गवर्नर के नाम बताओ, अगर वो नहीं पता तो देखो, कभी भी पढ़ाई में क्या होता है ना, ये पूरा सर्कल है, ये चीज़ होती है कोर चीज़, पहले कोर चीज़ आनी चाहिए जो 50% है, उसके बाद होता है आपका एडिशनल रेडीम, एंड देन होती है ऐसी चीज़ जो बहुत पेरीफेरी पे है, कोर पेरीफेरी, ये आपको पता हो, कोर पेरीफेरी मतलब ये क्या है बताओ, वो क्या है बताओ, सर वो चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर बताओ, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर बताओ, आपको इंडिया के नहीं पता, तो ये बात होती है कि अदरवाइज क्या है ना, हमारा जो दिमाग है, हमें चीज़ें जाननी है, और समटाइम जस्ट ईगो के लिए जाननी, सर मुझे ये बताओ ये ऐसा क्यों है, RBI में 4 ही डिप्टी गवर्नर कौन क्यों है, 5 क्यों नहीं है, इसका आंसर कोई नहीं दे सकता, वो है तो है, लेकिन क्या होता है फिर, नहीं यार मुझे जानना ही जानना, आप मुझे बताओ ऐसे कैसे, आप तो टीचर है, आपको तो सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ किसी को आता नहीं। एक बार मुझे याद है, एक रघुराम राजन थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा उनको, उन्होंने कहा कि अरे मुझे नहीं पता, मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसका आंसर देंगे, बिकॉज ही हैज़ वर्क इन दैट डिपार्टमेंट सिंस लास्ट 10-15 ईयर्स, मुझे पता है करुप्पा स्वामी थे उस टाइम, मैं RBI में था, कोऑपरेटिव के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा था, वो करुप्पा स्वामी उसमें 10-15 साल काम किए थे, उन्होंने बोला ही इज़ इन अ बेटर पोजिशन टू गिव द आंसर। तो ये नहीं होता कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए, इंटरेस्ट रेट्स, कौन कौन से रेट्स होते हैं ये पता होना चाहिए आपको, कौन कौन से रेट्स हैं, वेटेड एवरेज कॉल रेट, ट्राईपार्टी रेपो, मार्केट रेपो, 3 मंथ ट्रेजरी बिल्स, 3 मंथ सर्टिफिकेट, ये है कमर्शियल पेपर, 3 मंथ CD यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, कॉरपोरेट बॉन्ड, AAA रेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यील्ड 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, ये अंदाज़ा एक होना चाहिए कि यार ये क्या क्या है, ठीक है, स्प्रेड क्या है, ये तो बहुत चीज़ें यार, ये तो फिर ना करने में महीनों निकल जाएंगे, लेकिन हमें टाइम देखना है, उसका कितना वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, वो देखना है, अदरवाइज़ एक एक चीज़ कहेंगे देखो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से ये पढ़ते आ रहा हूँ, लेकिन हमें एग्ज़ाम में जितना चाहिए, अदरवाइज़ यही करेंगे तो फिर बाकी कौन इंग्लिश रीजनिंग कौन करेगा, तो हमें वो देखना है कि क्या इम्पोर्टेंस है, टाइम कितना है, एनर्जी कितनी है, वो कितना आ सकता है, इस तरीके से।
एंड फाइनली आते हैं हम कंक्लूजन पे। एवरी चैप्टर का कंक्लूजन आपको देखना, यहाँ से चालू होता है और यहाँ तक आएगा। द कंडक्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी वॉज कंडीशन बाय द एब्रप्ट चेंज इन द इन्फ्लेशन आउटलुक फॉलोइंग इन द वॉर ऑफ द यूक्रेन। देखो वॉर का आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। ESI के आप आंसर लिखेंगे, चार क्वेश्चन के आपके आंसर लिखने हैं, उसमें से कहीं ना कहीं वॉर के बारे में लिखो। ये इसलिए लिखना है क्योंकि जो पढ़ने वाला है आंसर आपका, चेक करने वाला, आपको उसको दिखाना है कि आपको ये पता है वॉर और उसका क्या इम्पैक्ट है मॉनेटरी पॉलिसी पे, क्या इम्पैक्ट। अदरवाइज लोगों को लगे यार वॉर तो उधर चालू है, उसका मेरे से क्या रिलेशन है। ऐसा नहीं है, आज के डेट में ग्लोबलाइज वर्ल्ड में सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। इसलिए ये आपको देखो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, यानी कि दिस इज अ कम्युनिकेशन, दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच यू आर टेलिंग वॉट यू नो अबाउट दिस टॉपिक। बस ये एक रिटन कम्युनिकेशन है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बतानी है कि जिससे लगे वो आप ब्रिलियंट हो। देखो ना अभी तक तो ये बहुत लेंदी हो गया है, मुझे पता नहीं अब तक कितने लोग होंगे। अगर आप अब तक होंगे, ये मॉनेटरी वॉर वाला जो निकाला है, तो आप लिखे वॉर नीचे, वॉर लिखे कमेंट सेक्शन में, यानी कि मुझे पता चलेगा कि आप यहाँ तक सुना हो। अदरवाइज ना वो यूट्यूब में समझ में नहीं आता, वो एवरेज टाइम आता है। तो मुझे ये देखना है कि पूरा वीडियो कितने लोगों ने देखा है। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, ये मैं देखो रिपोर्ट में ना मुझे इसलिए लेट हुआ, और भी लेट होना चाहता था, लेकिन ना मैं फिर वो इतना डीप देखो 10-12 लोगों के लिए करने का ना वो मतलब नहीं है यार, लोग नहीं देखेंगे। अदरवाइज़ ये बहुत टाइम है, बताओ कम से कम मेरे 10-12 घंटे गए होंगे इसमें। तो इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है, जो पेजेस है ना, मैंने वहाँ पे आपके लिए क्या आया हूँ, ठीक है। क्रेडिट डिलीवरी फाइनेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पढ़ना है। उसके बाद KCC वाला आपको डेटा लिखना पड़ेगा, बैंक क्रेडिट के बारे में ये लिखना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में RBI ने क्या क्या किया, क्योंकि हमारे टॉपिक में ही ये फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान, ये अच्छे से पढ़ना है। और शॉर्ट नोट फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, इस पर आपका 400 वर्ड का एक राइटअप लिखो आप, 400 वर्ड्स का, क्योंकि एग्जाम में आ गया तो आपको वो लिख लेना है। हम बोलते हैं रट्टा लगाना है, और जाके वहाँ पे पेपर पे लिख लेना। फाइनेंशियल इंक्लूजन टॉपिक है, देखो ये भी है क्या 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 किया है, ये सारा आपको वहाँ पर लिखना है। सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी CFL, इसका भी आपको मेंशन करना है आंसर में। और ये टॉपिक का कंक्लूजन तो मैंने आपको जेनेरिक बता दिया, सारे कंक्लूजन पढ़ने हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, एंड देन बाद में कंक्लूजन। और ये डिपार्टमेंट है, देखो ये डिपार्टमेंट के बारे में ना RBI के अंदर उस डिपार्टमेंट में क्या हुआ है उतना नहीं हमें देखना, अगर उसका रेफरेंस अगर पूरे इकोनॉमी को आ रहा है तो उसी को इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। रेगुलेशन, ये जो है ये कम्प्लीटली RBI का इंटरनल फंक्शन है, ये टॉपिक आपके इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट से चालू किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज एक्सपोजर, ये देखो ये इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है Phase 1, Phase 2 में। सम ऑफ ऑल एक्सपोजर वैल्यू टू सिंगल काउंटर पार्टी, सिंगल काउंटर पार्टी यानी कि कोई एक XYZ कंपनी है, ठीक है, उसको आपने कितना लोन दिया, अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, यानी कि किसी एक कंपनी को आप 20% लोन दे सकते हो आपके पूरे लोन पोर्टफोलियो का। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है तो 25% चलेगा, अदरवाइज 20%, ठीक है। ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज, यानी कि मान लीजिए रिलायंस ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ कनेक्टेड है, उनको मिला के हम 25% दे सकते हैं, एंड अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो 35% दे सकते। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, प्रीलिम्स या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड केसेस के बारे में मैंने आपको इमेज दिखा था, इसके बारे में न्यूज़ में भी आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड केसेस हमने देखा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कितने हुए हैं, और प्राइवेट सेक्टर में यही नंबर मैंने आपको दिखाया था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अमाउंट वाइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा है, फॉरेन बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में कम है, यानी कि यहाँ पर फ्रॉड का जो अमाउंट है सिंगल फ्रॉड का वो अमाउंट ज़्यादा है। तो इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी हमने कटिंग्स देखी थी। दक्ष नाम का ये सिस्टम है RBI का इंटरनल, रिजर्व बैंक्स एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरी सिस्टम, ठीक है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, मैं जब RBI में था अब ये डिपार्टमेंट नहीं था, April 27 में ये स्टार्ट हुआ है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और ये कंक्लूजन है इस डिपार्टमेंट का, ये चैप्टर का ये पढ़ लेना है आपको, ठीक है। स्टाफ स्ट्रेंथ देख लीजिए कितना है, 2022 में ये आपने कितना लोगों का रिक्रूटमेंट किया है, टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ देखेंगे तो 21 में कम थी, 22 में बढ़ गई है, नियर अबाउट 13,300 के आसपास है। अलग अलग कैटेगरी वाइज कितने लोग हैं, कौन से क्लास में,
आरबीआई में क्लास टू नहीं होता है, क्लास वन यानी कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, ग्रेड ए ऑफिसर, और क्लास थ्री यानी कि असिस्टेंट, यहाँ पे क्लास टू नाम का कोई कंसेप्ट आरबीआई में नहीं है, ठीक है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट नंबर वन जो है आपको पढ़ लेना है, ये टू भी पढ़ लीजिए, ठीक है, टू भी इंपॉर्टेंट है, वन और टू, और जिनको पूरा पढ़ना है वो फ्री है आप पढ़ने के लिए। इंडिया सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स आ सकता है, या प्रीलिम्स या मेंस में इस पे एक एमसीक्यू आएगा डेफिनेटली। तो ये जो बॉक्स है ये आपको पढ़ लेना है, और ये जो टॉपिक है इसका ये कंक्लूजन है। देखो डिटेल में पढ़ाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सारे लोगों का उतना फ्लेवर नहीं, ये भी जो है ना ये भी डेढ़ दो घंटे का बनेगा, ये भी पूरा लोग करने वाले नहीं है, ठीक है। तो अभी ये होगा, फिर मैं हमारे जो पेड स्टूडेंट है उनके लिए एक लाइव क्लास करूँगा, इसी तरीके से कुछ वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होंगे, कुछ हम 30-40 पेज की समरी बनेगी और एमसीक्यू बनेगी, इतना करेंगे तो ये मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। अगर किसी को डीप में इकोनॉमी में कुछ पीएचडी करनी है या आगे जाके रिसर्च करना है तो वो, और या किसी को इंटरेस्ट है टाइम है तो वो पढ़ सकते हैं पूरा पूरा। करेंसी मैनेजमेंट वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करेंसी मैनेजमेंट, तो आप यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ लीजिए, और ये हमने देखा भी है, ठीक है। ये जो न्यूज़पेपर के कटिंग है उसमें इसके चार्ट भी दिए थे, देखो ये जैसे डिनोमिनेशन है, सर्कुलेशन में कितने हैं, कॉइन्स कितने हैं, ये देख लेना है बस ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग की कौन से नोट का सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे 500 के जो नोट्स है वो 77% वैल्यू में है, वैल्यू यानी कि 500 रुपये का एक नोट है, एक नोट 2000 का है, एक नोट 200 रुपये का, एक नोट 100 रुपये का है, तो ये नंबर में तो एक ही है सारे, लेकिन वैल्यू में अलग अलग है ना, ये उस केस में देखा गया है, ठीक है। 2000 का उसका 10% है टोटल जो वैल्यू है उसमें, फिर नंबर भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम में पीसीएस में कितने हैं। अगर आप पीसीएस में देखेंगे तो ये नंबर देख सकते, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना तो 500 के ही ज़्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम में भी एंड वैल्यू में भी, दोनों में 500 के ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगर कॉइन्स में देखेंगे तो कॉइन्स की वैल्यू में सबसे ज़्यादा कॉइन्स आपको दिखेंगे वो है 5 रुपये के, और अगर ये देखेंगे आप वॉल्यूम में देखेंगे तो 1 रुपये का कॉइन ज़्यादा वॉल्यूम में है यानी कि नंबर में। यस, बाकी करेंसी चेस्ट स्मॉल कॉइन डिपॉजिट, करेंसी चेस्ट कितने हैं, SBI देखो पूरे नेशनलाइज बैंक मिला के जितने हैं उससे ज़्यादा तो SBI के, फॉरेन बैंक्स में 4 है, RRB में 5 है, RBI की एक करेंसी चेस्ट पकड़ी है इन्होंने, कोऑपरेटिव बैंक्स में 5 है, प्राइवेट में, नेशनलाइज में, ये जस्ट एक डेटा है इंटरेस्टिंग, और ये ई रूपी सर्कुलेशन भी हमने देखा है, ठीक है। ई रूपी में दो सबसे मेन है 2000 रुपये का एक भी ई रूपी नहीं था, और इसको काफ़ी न्यूज़पेपर ने हाईलाइट किया, देखो यानी कि उनको ये देखना पड़ा, इसी से बनता है वो न्यूज़, ठीक है, और बाद में ही ये कंक्लूजन, ठीक है। और ये जो है ये है RBI के है, ठीक है, ये RBI के है, सिक्योरिटी प्रेस ये वाला भारतीय रिजर्व बैंक वाला, और ये सिक्योरिटी प्रिंसिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देवास में भी है, ठीक है, मैसूर में भी है, आप देखेंगे वो बैंक नोट्स वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेमेंट विजन, ये आपको 4 times पढ़ना है, 4 times ये वाला पेमेंट विजन 2025, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा, 100%, ठीक है। जब मैं कहता हूँ कि 100% जोर लगा के तो आएगा ही आएगा, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, और इसमें जो कुछ भी दिया हुआ है ये फेज 1, फेज 2 ऑब्जेक्टिव, फेज 2 डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू, 100% आएगा, इसको तो करना ही करना है, पढ़ लेना है और याद रखने का ट्राई करना है। कंक्लूजन है उस टॉपिक का, यहाँ से यहाँ तक पेमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोशल मीडिया पे क्या क्या कर रहे हैं RBI उसके बारे में है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये जो है ना, अभी देखो मैं ये कर रहा था तो ये जो लास्ट वाला, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो वीडियो ना बहुत बड़ा हो जाएगा और कोई यहाँ तक आएगा नहीं। तो ये जो है यानी कि RBI के बैलेंस शीट का जो वीडियो है वो मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है। RBI का जो बैलेंस शीट है उसका वीडियो ये अलग बनाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है समझने में, क्या क्या अलग आइटम्स है, और इसके ऊपर ना कुछ लोगों ने बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछा है, वो तो आने वाला तो है नहीं लेकिन अभी आपने पूछा है तो सर को तो बताना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे बताओ आप,
ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसे आरटीए में अगर आप डालेंगे ना, मुझे नहीं पता उसका भी आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, यही क्यों किया, वही क्यों किया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसका जवाब देने का ट्राई करूंगा। देखो ये व्हाट अदर कंपोनेंट, देखो यार ये अगर बैलेंस शीट में नहीं दिखा दे रहे तो उसका कैसे, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे साइड से मैं फुल ट्राई करूंगा इसके आंसर देने का, लेकिन ये अगले वीडियो में करूंगा, ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया। देखो व्हाई, ऐसे क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे दूंगा, ठीक है, इतना क्यों दिया, ये क्यों दिया, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ लॉजिकल आंसर है या नहीं है, अदरवाइज मुझे ना कहने में भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये व्हाई यार ऐसे क्यों किया, मतलब ये इतना ये दिया था, ये क्यों दिया, ये लॉजिक जो है ना वो आरबीआई बता पाएगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा मेरे साइड से, हाँ आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। देखो इज देयर एनी अदर कंपोनेंट्स, तो ये ढूंढना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल जवाब है, ठीक है, लेकिन ये करूंगा। अभी मैं पढ़ रहा हूँ बैलेंस शीट, और ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो का, इसलिए जो बैलेंस शीट वाला वीडियो है तो अलग टाइटल रहेगा उसका, वो जो वीडियो बनेगा आरबीआई का बैलेंस शीट एंड उसके ऊपर स्टूडेंट के क्वेश्चन, ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो हम ये आरटीए फाइल करेंगे और पूछेंगे भैया ऐसा क्यों किया आपने, इतना कम क्यों किया, इतना ज़्यादा क्यों किया, ये पैसा कहाँ गए, ठीक है, तो ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आएगा, कोई आपको पूछेगा भी नहीं, लेकिन आपकी अगर अभी इंटरेस्ट है, इनक्विजिटिवनेस है, तो उसको तो शांत करना ही पड़ेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, नहीं आएगा तो कहूँगा नहीं आएगा, और मैं ट्राई भी करूँगा, अगर मुझे नहीं आएगा तो कोई रिटायर्ड सीजीएम वीजीएम को ट्राई करने का देखूँगा मैं, कॉन्टैक्ट करने का कि उनको आता है या नहीं आता है, लेकिन आंसर मैं इसका जवाब दूंगा डेफिनेटली, ठीक है। ये भी है इसी तरीके से है सर, ये स्पेसिफिक नोट्स है, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन पूछे ना कि जो गवर्नर को पूछने जाने चाहिए थे, और मुझे नहीं पता वो भी इसका आंसर दे पाएंगे नहीं पाएंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया, तो अभी ऐसा नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन छुपा दिया, मैं छुपा भी सकता था, लेकिन वो छुपाना नहीं है, दिखाना है, उसके आंसर मैं ढूंढने का ट्राई करूंगा, नहीं आता है तो नहीं भी कहूंगा, कोई टेंशन वहाँ पे नहीं है। तो आपको ये टोटल वीडियो कैसे लगा मुझे बताना, और जो 50 एमसीक्यू का टेस्ट है उसका जो लिंक है मैं 2-3 दिन में मेरे टेलीग्राम चैनल उसका भी लिंक दे दूंगा, वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।